कहाँ से मैम? हाँ जी सर, पटियाला से, पंजाब पटियाला हाँ जी मैम, बोलिए। आपका आप फर्स्ट टाइम आए हो आज सर। क्लास पर? यस सर, फर्स्ट टाइम। मेरे को मेरे सिस्टर चंडीगढ़ से है, उन्होंने बताया था आपके बारे में। चलो बोलिए, हुक्म करिए मैम। सर, मैंने अपने हस्बैंड की जॉब के रिलेटेड आपसे पूछना था। कुंडली के रिगार्डिंग है या वैसे वास्तु के रिगार्डिंग है? काम क्या कर रहे हैं अभी वो? कुंडली के रिगार्डिंग होगा सर फिर। कुंडली तो आपको बनाकर भेजनी पड़ेगी मैडम, कुंडली आपको बनाकर भेजनी पड़ेगी, ठीक है? ओके सर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है जॉब में? सर। उनकी जॉब में प्रॉब्लम ये है कि 5 साल हो गए उनको, उनकी जॉब से सस्पेंड कर दिया था ड्यू टू सम प्रॉब्लम, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उनको उनकी जॉब से, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा गवर्नमेंट जॉब थी कि वो हो जाए, कुछ इनका बन जाए, तो वही बस पूछना था कि कुछ प्रोग्राम बनेगा कि नहीं। तो पहले छूटी क्यों? गवर्नमेंट जॉब पहले छूटी क्यों? इसका कारण कुछ पता लग सकेगा? उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो स्टेप मदर है मेरे, तो उनकी स्कूल से लेटर्स आ रही थी रिगार्डिंग दैट, तो उन्होंने हमें दी नहीं, तो काफी टाइम उनका ऐसे ही चलता रहा, काफी लेटर्स आई स्कूल से, तो फिर जब लास्ट लेटर आई थी 2 महीनों के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था काफी जबरदस्त, तो वो लेटर हमें दी गई थी बस, कि फिर हमने जाके स्कूल में बोला भी आपने स्कूल में जाकर वो ट्राई नहीं किया क्या? वो जॉब किया मिल गई था, थी? प्लान किया था, वो बस अब कुछ सुन ही नहीं रहे वो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे उनकी वो आ गई है सस्पेंड होके लेटर आई है बस उनकी, तो हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं। अभी आपने जहां पर रह रहे हो वहां पर ईस्ट में आपने स्टेयर बनाई है या क्या बनाया है? ईस्ट में स्टेयर्स बनाई है सर, बनाई है ना आपने? नहीं बनाई है हमें कैसे पता लगा? पता नहीं सर। फर्स्ट टाइम आया ना। चलो आप मेरे को स्टेयर की पिक्चर भेज देना, मैं देख ओके लूँगा, सर, ठीक है? सर आपका यही नंबर व्हाट्सएप पे है सर नंबर? हाँ मेरा नंबर है 9883 5417 1। फाइव अगर फोर ईस्ट सेवन में, हाँ 5417 1, 5417 ठीक है सर। ये तो मेरी पक्की गारंटी है कि मैं आपको उसको सेटअप कर दूंगा, जॉब मिल जाएगी दोबारा, टेंशन ना लो आप। सर वही प्रॉब्लम तो आ रही है देखो, बस मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ तो बस ऐसे ही हमारा चल रहा है। हो जाएगा मैम, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हमें जब प्रॉब्लम का सलूशन पता लग गया है तो उसका हल तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि हल नहीं होगा, हल होगा ही होगा, ठीक है मैम? ठीक है, थैंक आप मेरे को व्हाट्सएप यू कर सो देना, मच। ठीक मैसेज कर देना, मैं आपको कर दूंगा सेट, ठीक है? है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो और किसी का क्वेश्चन हो तो अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी रिया रूबी मैम मैं पूछूं सर, बताइए, रिया रूबी मैम बताइए। सर आपने बताया था वो क्या कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एसी लगा हुआ था सर हमारा ना, वो सर उसको हमने रिमूव करा दिया इस संडे को ना, तो वो जो जो खाना है वो हमने उसको शीट लगा दी है एक उतार के बता, वो तो सर कितने दिन में सर इसका रिजल्ट आएगा सर? प्रॉब्लम क्या थी? सर किडनी की प्रॉब्लम है हमारे घर में, मेरे को शुगर की और मेरे देवर को किडनी की प्रॉब्लम है सर। मैडम किडनी की प्रॉब्लम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से तो आती है पर उधर से नहीं आएगा। वाटर फिल्टर कहाँ पर लगा हुआ आपका? वाटर फिल्टर सर वैसे हमारी किचन ईस्ट में है, बीच में है, मतलब ईस्ट में है जो वाटर फिल्टर आपका जो है, वाटर फिल्टर है ईस्ट साउथ ईस्ट में होगा? साउथ ईस्ट में नहीं है सर। मैं नहीं, आपने मेरे से पूछ क्या पूछा था? आप जान सर सकते मैंने हो किडनी की प्रॉब्लम के बारे में पूछा, अभी कैसे ठीक होएगी? किडनी की प्रॉब्लम ईस्ट साउथ ईस्ट के वाटर फिल्टर लगने हो से आती है, अगर ईस्ट में लगा हो तो। ईस्ट में नहीं है सर, कहाँ पर है आपका वाटर फिल्टर आपको बता देती हूँ, किचन दिखा देती हूँ मैं सर। मैम? चलो दिखाना है तो दिखा दीजिए, आपकी इच्छा। पर जोन कौन सा आ रहा है? आप जोन को देखो ना मैम। सर ये हमारी ईस्ट की दीवार है हाँ और यहाँ हमने वाटर फिल्टर लगाया है ये कौन सा भी उल्टा कर लिया आपने? ईस्ट साउथ ईस्ट बना जे ईस्ट बना, मेरे को ये बता दो। सर, ये इधर वाली जो है ना ये दीवार ये ईस्ट की है
और ये नॉर्थ में आ गया सर हमारा, नॉर्थ में वाटर फिल्टर, नॉर्थ में नहीं आया, ये नॉर्थ ईस्ट में आया है, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आया है। अच्छा सर, आप मेरे को दोबारा अपना थोड़ा सा मैप बनाकर भेजो, मैं देख लेता हूँ। आप कहाँ से हो मैम? लुधियाना से मैं ओके ओके ओके। तो लुधियाना में जब सर। पोस्ट, जब मैं लुधियाना में इतनी पोस्ट डालता हूँ तो जब मर्जी मेरे को बुला लो। ठीक है सर। लुधियाना में महीने में 22 दिन में लुधियाना में हूँ। अच्छा अभी लुधियाना में मेरा ऑफिस खुल गया है, बस स्टैंड के पास ही है, कहाँ? बस स्टैंड के पास ही। तो चलो अगले फिर मेरा तो अगले महीने ओपनिंग है। न्यू ईयर पर तो हमारे 3 ऑफिस रेडी हो चुके हैं, अच्छा एक सर। अम्बाला कैंट में, नहीं सर, एक कब है लुधियाना ओपनिंग? में, 2 जनवरी या 3 जनवरी को एक लुधियाना में हो रहा है, एक अच्छा दिल्ली में ठीक हो रहा है, और एक मुंबई में हो रहा है, और है। एक अम्बाला में, चंडीगढ़ में भी होगा। ये जो वाटर फिल्टर आप बता रहे हो उसके आप वीडियो बना के भेज दूँ मैं हाँ मेरे को एक छोटा सा अपना चार्ट आपको बनाकर भेज दो तो आपको सर। सब। अम्बाला में कहाँ है आपका ऑफिस? अभी बना रहे, अभी तो राजपुरा में है, बस स्टैंड के पास ही। ओके सर। ठीक है, तो अभी अम्बाला में भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो महीने में बस एक दो दो दिन रहा करेंगे वहाँ पर। तो दिल्ली भी फाइनल हो चुका है, ऑलमोस्ट दिल्ली फाइनल हो चुका है, और मुंबई फाइनल हो चुका है। मुंबई, दिल्ली और अम्बाला और लुधियाना, तो मोगा पंजाब जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर तो परमानेंट ही है। सर जो आपने ग्रुप में वो जो चार्ट के लिए बोला है सर, अगर जैसे मैं आपको कहूँ चार्ट बनाने की, तो आप कैसे मेजर करोगे मेरे घर को सर? सब कुछ कर लेंगे मैडम, हमारे स्पेशलिस्ट इसी काम को लेकर है रोज। नहीं मतलब वीडियो कॉलिंग से होएगा, चार्ट बनेगा, कैसे बनेगा सर? सब कुछ होगा मैडम, सब कुछ होगा। आप जब फ्री होते तब कॉल करिए करिए, अभी ये बातों अच्छा की क्लास नहीं है, ठीक मेरे है, पास भी ओके टाइम कंजस्टेड होता है, मुझे भी फॉरन की क्लास लगानी होती है रात ठीक है को। सर। मैं आप वीडियो बना के भेज दूंगी सर। ठीक है, तो और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। राकेश कपूर जी, राकेश कपूर जी, सब मैं सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है, मैं प्लीज़ मेरे को बार बार बोलने का मौका मत दीजिए। जिसका कोई भी क्वेश्चन हो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित मेरे से बात कर सकता है, जिसको नहीं है क्वेश्चन वो अपने आप को लेफ्ट भी कर सकता है। चलो, हाँ जी राकेश कपूर जी बोलिए सर। नमस्कार सर, आप कहाँ से हो सर? राकेश कपूर जी, आप कहाँ से सर? सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। दिल्ली से सर। नमस्कार। दिल्ली सर, नमस्कार सर। हाँ सर बोलिए, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ जी, मेरा बेटा ना थोड़ा सा नाराज हो गया मेरे से। 2016 में उसकी शादी हुई थी, 2018 में मेरे से अलग हो गया, और फॉरेन जाके सेटल हो गया, मेरे से कनेक्शन ही उसने पूरा खत्म कर दिया। अच्छा, तो भी आप क्या चाहते हो, वापस बुलाना चाहते हो कि आपको फोन हाँ करने, आपको फोन करने लग पड़े, ये बताइए। नहीं, फोन तो कभी कभार उसका 2 महीने 3 महीने बाद आ जाता है, बट वो रिलेशन ठीक नहीं हो रहा। आपके साउथ, आपको जो वास्तु की नॉलेज है सर, आपको थोड़ी बहुत हाँ है सर। साउथ वेस्ट में कुछ है आपके, क्या नहीं जी, है, साउथ वेस्ट में दीवार ही दीवार है सर, पैक है या क्या है? नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है मकान। साउथ ईस्ट फेसिंग है। अभी पिता पुत्र में अगर रिलेशन खराब हो, तो मैंने आज वीडियो मैंने सभी को अपलोड करी थी, तो आप देख अच्छा। सकते हो उसके रिगार्डिंग। आपके वेस्ट और ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है ये दोनों तरफ मकान है जी, दोनों तरफ, दोनों साइड पे दोनों बंद है। सर? आपके अंदर को देखो ना सर, ईस्ट में क्या है? अंदर ईस्ट में, वेस्ट में तो एक तरफ बेटे का ही बेडरूम था, नॉर्थ वेस्ट में, सर मैं वेस्ट की और बात कर, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, वेस्ट में बस मैं बैठा हूँ जी, यहाँ डाइनिंग टेबल है, और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में किचन है। किचन एक किचन की स्लैब का कलर क्या है? पिंक है। पिंक पिंक। की मैडम, मैम आप ये क्या कर रहे हो? पिंक हाँ जी, की मैडम ये क्या कर रहे हो आप? हाँ
ईस्ट में आपकी किचन है हाँ जी पिंक तो उसकी कलर, स्लैब का कलर व्हाइट है, पिंक, है सर। सर उसको आप ग्रीन कलर में रखो, जहाँ पर जो आपका चूल्हा है ना, उसका नीचे लगा देना ग्रीन कलर। हाँ ग्रीन कलर लगा दो, तभी आपके पिता पुत्र में वो रिलेशन है ना वो ठीक हो जाएंगे। और एक बात ये है, अगर आप बच्चे को आप यहाँ, वो बच्चा परमानेंट सेटल हो गया होगा ना वहाँ पर, दो हाँ लगभग PR मिल गई है उसको। तो अभी एक ऐसा करो, अपने बच्चे की फोटो नॉर्थ ईस्ट में नीचे कर कर लगा दो, हाँ जी नीचे कर कर लगा दो, स्कार्टिंग नहीं होती स्कार्टिंग, हाँ स्कर्टिंग हाँ वो नॉर्थ ईस्ट में आप लगा दो, तो आपका बच्चा वापिस आ जाएगा। अच्छा ये कहोगे तो मैं तो भेज दूंगा, मेरे को हैगा सारा नक्शा बनाया है ग्रिड नाल वास्तु सर, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, दिन में कभी कर लेना, अभी हाँ मैं आपको, कर अभी दूंगा। आपको ग्रिड की अब सारा कुछ पता ही है, तो नॉर्थ ईस्ट में हाँ आप लगा लेना स्टार्टिंग पर पिक्चर, आपका काम हो ठीक है जाएगा, बेटा आपके आपके पास आ जाएगा। ठीक। और कोई हेल्प बताइए, मैं करता हाँ जी रहूँगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज़ और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। हाँ जी अम्मी सोनी सर, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, जो फर्स्ट टाइम है उनको मौका दें, नहीं तो आप दिन में कॉल कर लिया करो, सारा दिन तो फ्री होते हैं सर। हाँ जी वंदना वैद जी, आप कहाँ से हो मैम? सर मैं यहाँ बाला कैंट से हूँ। हाँ जी हाँ जी मैम बोलिए। सर मेरे को ना ज्योतिषी के रिगार्ड कोई बात करनी है, मेरे बेटे की जो कुंडली है ना वो 5 नंबर लगन की है, और उसके 12वें घर में ना चौथी राशि में शुक्र सूर्य और बुध बैठे हैं। सर मुझे उसके बारे में और उसकी स्टडी के बारे में थोड़ा कुछ जानना था। मैडम देखो अभी आपको एक बार बताता हूँ, हाँ जी जो ग्रह बैठे हैं वो तो परमानेंट बैठ के, उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो फाइनल है ना, ये कोई जी कुछ कर जी सकता है ठीक है ना, जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लो, यहाँ पर ये होगा तो वो हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा, हाँ रिजल्ट हमें जी नक्षत्र ने ही देने हैं ओके सर ठीक है ना, रिजल्ट हमें नक्षत्र ने ही देने हैं। ओके सर हाँ सर उसका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है। मैम देखो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं, +2 की या उससे आगे वाली, सर अभी +1 में है अभी +1 है, 5th हाउस से देखो। केपी आती है जी। आपको, केपी एस्ट्रोलॉजी आती है, केपी तो नहीं आती सर, वहाँ 9 नंबर है 5th हाउस में, धनु राशि है, खाली मैडम है। मैडम देखो वो उसको आप छोड़ दो, रिजल्ट ठीक हमें है कृतिका नक्षत्र ऑन द स्पॉट, अभी कौन सा उसका सब लॉर्ड है, उसका कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है, उसको आप सेट कर दो, आप काम हो जाएगा। ओके अदरवाइज अगर आपका बच्चा छोटा है पढ़ाई का, आपके इसको आप वास्तु से सेट कर लो, ओके सर बात को थोड़ा सा क्लियर समझो, सब लॉर्ड हाँ के जी नक्षत्र लॉर्ड को अगर मान के चलो, उसे निगेट कौन करता है, उसके पिछले वाला हाउस, उसकी यस सर पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में पड़ी होगी, जो नहीं पढ़ता हो, पढ़ी है ओके सर पढ़ी है पढ़ी है यस कुछ सर पढ़ी है ना, यस सर उसकी पिक्चर को नॉर्थ वेस्ट से उठाकर वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो, वेस्ट में लगा दो तो काम हो ओके जाएगा सर आपको, बात समझ लो ना ओके सर मैडम, ये मैं भी यस बताता सर हूँ, मैं बताता हूँ ये मैंने कैलकुलेशन कैसे करी है, यस सर अभी आपको क्लियर करता हूँ मैडम, ये मुझे कैसे पता ओके लगा सर नॉर्थ ईस्ट में क्या है। अभी देखो जी आपने 5 नंबर लगन सूर्य का बता दिया, फिफ्थ यस हाउस सर को पिछला हाउस घर निगेट करता है, वहां जी पर चार सर नंबर घर है, 4 नंबर मकान भूमि वाहन का होता है ना यस सर ठीक है ना, वो उसको घर बार 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 बुलाता है, यस देखो सर जो इससे पहले वो सर थे, मैंने उनको नॉर्थ ईस्ट में पिक्चर लगाने के लिए बोला, तो आपके हाँ बेटे की जी ऑलरेडी पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई है समझे, उसको उठा यस लोगे तो वेस्ट में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लग जाएगी, तो पिछला हाउस कभी भी आपको तंग करेगा, लोग 5th हाउस के पीछे पड़ जाते हैं, जब भी ओके उसका सर घर तंग करेगा ना वो पिछले हाउस वाला करेगा, अगर मान के चलो आपके ओके हस्बैंड के ऊपर कर्जा आ जाता है, मैं सभी को बता रहा हूँ, जी सर आप दिल्ली से अम्बाला से, आप एक्सपर्ट लगते हो मेरे को इस चीज को नहीं नहीं लेकर, सर एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, बस पढ़ाई कर रही हूँ चलो अगर 6th हाउस में आता है उसको पिछला हाउस निगेट करता ठीक है जी ना, सर तो जब भी
आपको ये प्रॉब्लम देगा उसका पिछला हाउस ही देगा। अगर यस आपको सर, सेवंथ हाउस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहे हैं तो समझ लो सिक्स हाउस हमें प्रॉब्लम दे रहा है। यही लोगों को ढूंढने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। वो सिर्फ ये यस सर, बैठे हैं, सातवां घर में मंगल बैठा है, सातवें घर में शनि बैठा है, अभी आप भी ट्वेल्थ हाउस में वही बोले थे, तो आपको जी निगेट कौन कर रहा है? पिछला घर, ओके सर, इलेवेंथ हाउस, ठीक है ना। जी अभी हाँ आप उसकी जी पिक्चर को हटा दो, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो या वेस्ट में लगा दो, आपके बेटे की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है मैम। तो यस आप सर, लोगों के लिए तो ये चीज मैंने सेवा रखी है कि किसी को कभी थैंक यू डाउट भी सर, करना हो तो कभी भी थैंक यू डाउट सो क्लियर मच करना हो सर, तो मोस्ट वेलकम, जब मर्जी उठा लेना, ओके सर। मोस्ट वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार अशोक सर जी, श्रीवास्तव जी, कैसे हो सर? जी जी बोलिए मैं सर, ठीक हूँ सर, आप कैसे? बढ़िया, कृपा है आपकी, हुक्म करिए सर। सर मेरी एक समस्या है, बस एक कर्ज की समस्या है, समस्या दुगनी। बस एक ही समस्या है। हाँ एक ही समस्या है बस, और वो बहुत बड़ी समस्या है सर। कर्ज अच्छा, जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, नहीं, एक ही समस्या है आपकी, तो फिर और समस्या खत्म होगी, दोबारा आओगे नहीं, पंडित लोग पैसा कैसे खाएंगे? नहीं ऐसा। देखिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक समस्या जाने के बाद दूसरी समस्या आ जाती है जीवन में, ऐसा ऐसे सुना है सर सर। ऐसे कैसे आ जाएगी, ऐसे नहीं आते, ऐसा चलो नहीं है क्या नहीं होता, जी? बोलिए। तो कर्ज की समस्या है सर, कर्ज की समस्या है, मतलब कर्ज दूर नहीं हो पा रहा है आपने वो विंडो बंद कर दी थी ना पिछली बार, आपने गाना सुना, जी। आपने पिछली बार आपने गाना सुनाया था ना मेरे को, क्या? आपने गाना सुनाया था, आप कहाँ से हो सर? नहीं मैं छत्तीसगढ़ से हूं सर, ओके छत्तीसगढ़। ओके ओके, मेरे को लगा पिछली बार को जो स्टूडेंट थे, आज हमें सर सोनी सर आए थे ना, कुछ लड़का है ना एक बार, वो बिल्कुल आपके जैसा फेस था। अच्छा यस सर, ये वो नहीं है सर। अच्छा ये वो नहीं है, चलो गलती हो गया सर, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। कर्ज की समस्या है, ईएमआई भरते भरते पूरा सब पैसा चला जाता है सर, कहाँ पर चला जाता ईएमआई भरने में है? अच्छा, अभी साउथ में वास्तु की नॉलेज है आपको थोड़ी बहुत, जी। बिल्कुल सर, साउथ में क्या है अभी? साउथ में कुछ नहीं है सर, बस ऐसे ही, मतलब किचन, साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ में सीढ़ी है, साउथ में विंडो भी है कोई? मिडिल साउथ मिडिल में। अभी साउथ को लेके जाऊं, अपना कैमरा लेके जाऊं साउथ में, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। छत्तीसगढ़ से, ठीक है सर, जी वो लड़का मेरे हिसाब से बॉम्बे से था, वो साउथ में दिखाओ क्या है सर, ये साउथ है आपका, सीढ़ी है सर। हाँ आगे जाइए और ये आगे साउथ है, में सीढ़ी है। अच्छा रोशनी आ रही है ना सर, रोशनी आ रही है, ये सीढ़ी साउथ की रोशनी आ रही है ऊपर से, देखो जी आ रही है। उसको बंद कर दो, ये कर्ज आपका बंद हो जाएगा। ये जो ऊपर से जो सीढ़ी में जो रोशनी आ रही है उसको, हाँ बिल्कुल, अच्छा अगर और ये कुछ सर? सर कुछ नहीं करना, कर्ज बंद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा सभी लोगों को मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जिसका कर्ज बढ़ रहा है ना, आप साउथ में अपनी रोशनी लाना बंद कर दो, वहाँ पर यम देवता बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, जी साउथ से कभी जी रोशनी मत लो। अच्छा अगर साउथ में आपको कर्ज चढ़ रहा है ना, विंडो है या छोटी मोरी भी है, छोटा सा होल भी है, छोटी सी विंडो भी है, कुछ भी हो, तो आपके ऊपर कर्ज रहेगा। अगर आपको लोन चाहिए तो उसको आप खोल दो, ठीक है, अगर लोन ठीक है नहीं सर। चाहिए तो उसको बंद कर दो। जी विंडो तो बंद नहीं जी कर सकते, मगर उस पे वहां पे थोड़ा ये तो कर सकते हैं, सामने कोई पर्दा वगैरह। अरविंद सर करो सर करो, आपको ये आपको सिखाएंगे, कल से स्टार्ट जी सर, ओके है। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब समाधान दिए जाएंगे, आप कोर्स में हो, तो कल से मेरा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो अशोक अशोक श्रीवास जी, सर आप रख जी लीजिए, बताइए एक एक वो बंद कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर। ठीक ओके थैंक्स ठीक है सर, सर, आगे फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं कर दूंगा। आगे कर्ज ओके बढ़ेगा थैंक्स नहीं, अगर कर्ज को खत्म करना है तो अपने जो जी। बैंक के पेपर वगैरह हैं आप उसे वहीं पे हाँ करो। है हाँ, बैंक के जो पेपर पेमेंट देनी है ना आपने,
जी वहाँ वहीं पर रखते हैं कहाँ पर? सर नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा नॉर्थ वेस्ट में रखना है। मोहन के जी आप पहली बार आए हो? मोहन के जी, मोहन के जी आप पहली बार आए हो? चलो नमस्कार सर। सर आप पहली बार आए? हाँ जी सर, जी सर आज कैसे सर मिला था अभी कैब लिए जी सर पता नहीं लगा। हाँ सर तबीयत ठीक नहीं रहा सर। ओके कोई बात नहीं। और किसी का क्वेश्चन? हाँ जी अमित सर, सर आप बोलिए। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अभी जैसे अभी अभी आपने बताया जैसे अगर साउथ में जैसे जैसे बल्ब जला के सोते हैं रात को, जैसे पूरी रात जला रहे तो उससे भी फर्क पड़ता है क्या सर? ये करते हैं बल्ब, बल्ब का कोई टेंशन नहीं है, बल्ब का कोई टेंशन नहीं है। सही है अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम आपका बल्ब सही है, आप ठीक नंबर तो देखो आप। हाँ जी हाँ जी अमित जी बोलिए। मैं ऐसे पूछा था, मेरा भांजा है सर वो अलवर में है, वो अभी 10th तक तो यानी लॉकडाउन से पहले बिल्कुल अच्छा पढ़ रहा था, 90% 80% आ रहा था। लॉकडाउन के बाद जैसे मोबाइल दिया उसके बाद फिर उसका परसेंटेज जैसे वही 30-40% आ गया, यानी थर्ड डिवीजन आ गया, उसके बाद अब जैसे बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। अच्छा बच्चा बिल्कुल ऐसा करो जो अब बिल्कुल मेरी बात समझो, सभी लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आपका बच्चा अगर जिद्दी है, ज्यादा मोबाइल चलाता है, ठीक है ना, जो भी बच्चा आपका फोन चला रहा है जी, आपका बच्चा जो भी फोन चला रहा है हाँ जी, उस मॉडल का नंबर या तो डिब्बा है डिब्बा ले लो, नहीं तो उस मॉडल की पिक्चर आप निकाल लाओ, फोटो स्टेट करवा लो, ऑनलाइन मॉडल मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी वो मिल जाएंगे ना आपको ऑनलाइन, उसकी फोटो स्टेट कराकर उसमें रख दो साउथ साउथ वेस्ट में, तो आपके बच्चे का ये मोबाइल से छुटकारा भी हो जाएगा, वो पढ़ने भी लग जाएगा। अगर सहेली है उसकी तो तब भी लगा सकते हो उसकी फोटो, तो वो सहेली छूट जाएगी उसे। और बताओ सर स्कर्टिंग पे लगानी है या जैसे दीवार पे लगानी है? नीचे भी रख सकते हो, स्कर्टिंग पे भी लगा सकते हो, जैसे आपकी अच्छा, इच्छा। ठीक है सर। और एक सर मेरे जैसे बैंक में जैसे पैसे डालता हूँ तो रुकते नहीं है सर, जैसे खर्चा आ जाएगा आ जाएगा। मैं अपना अकाउंट नंबर भेज दूंगा उसमें ट्रांसफर कर देगा, रुक जाएगा। बचते ही नहीं है सर तो कैसे एक्सेप्ट करूँ सर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। अपने जो बैंक की कॉपी है ना आप उसे वेस्ट में रख दीजिए, जो बैंक के पासबुक वगैरह है ना उसको आप बैंक में रख दीजिए, वेस्ट में रख दीजिए। हाँ बैंक की पासबुक वगैरह जो भी है ना उससे वेस्ट में रख दीजिए। आप अपनी फोटो भी एक वेस्ट में लगाओ तो आपकी सेविंग्स है बढ़ जाएगी। वेस्ट दिशा शनि की होती है, सेविंग्स की दिशा होती है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर रखो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। ठीक है सर धन्यवाद सर। सर एक आप ना बच्चों के लिए कॉमन कुछ बताओ, जो बच्चे ना सही में मोबाइल बहुत यूज करते हैं और पढ़ाई से तो बिल्कुल पीछे जाते जा रहे हैं। मैडम बता तो दिया है, बता दिया है अभी वो किस चीज सरी? को मान के चलो बच्चा आपका वो खिलौना छोड़ता नहीं, उसे छुड़ाने की आदत क्या है? साउथ साउथ वेस्ट में रख दो, वो खिलौना छोड़ देगा वो, ठीक है ना? ओके सर थैंक यू सर। अभी आप मेरे क्वेश्चन पुट करोगे तो मैं हल बता दूंगा, ऐसे कॉमन हल बताऊंगा तो मेरे को सारी रात लग जाएगी। यस सर। हाँ जी नवदीप सिंह जी, नवदीप सिंह जी आप कहाँ से? जलंधर सिंह सर जी। कहाँ से? जलंधर से सर, जलंधर पंजाब से। हाँ जी सर बोलिए बोलिए सर। तो मेरे ना बैग डिस्क हिली हुई है और पैर ना सारे सुनो है दोनों टांगे। ओके इसका कोई आप बेड पे रहते हो या परमानेंट क्या है? नहीं बेड पे नहीं सर जी, वैसे तो थोड़ा बहुत चल फिर सकता हूँ, तो ज्यादा भी नहीं है पर बार बार हो जाता है, कोई वजन उठाया तो फिर हो गया, दो तीन बार हो गया। अभी बिजनेस क्या करते हो आप? एक ड्यूटी करता था, प्राइवेट जॉब थी वो भी छूट गई है अभी, थोड़ी यहाँ सीढ़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी ऊपर या इधर उधर घूमना पड़ता था, अभी वो झुंझनाहट रहती पैरों में जारी है, मैं चला नहीं जाता मेरे से। जॉब किस चीज की थी आपकी? जी मेंटेनेंस फोरमैन की थी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। ब्रह्म स्थान खाली है अपना, रसोई की एक दीवार आ रही है उसमें। अभी मैप है आपके पास? हाँ जी सामने ही है मेरे।
आपके सामने है ना, मेरे मेरे को भेजो ना सर आपके सामने पड़ा हो वैसे। हाँ जी, वैसे तो ब्रह्मस्थान खाली है, पर थोड़ा सा बीच में द्वार आ रही है, कोना आ रहा है। तो फिर वही बात होगी सर, ब्रह्मस्थान ना दब जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसको हटाना पड़ेगा फिर सर। दीवार अगर कोई जरूरी है, मेरे को एक बार चार्ट दे भेजो, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, अभी भेजो चार्ट, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा समय दो, मैं देख लेता हूँ। नहीं तो दिन में आप चार्ट भेज देना, मैं देख लूँगा। दिन में भेज दूंगा सर जी, फोटो खींच के ना। आप जलंधर में हो? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। अनूप गुप्ता सर जी, राम राम जी। राम राम सर, राम राम। सर ऐसा है, आपने मेरे को बताया था बिजनेस के लिए अपनी स्लैब गैस के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगवाना है, तो सर वो मैंने लगा दिया है लास्ट 10 डेज से। और सर मेरी शॉप जो है साउथ फेसिंग है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या करना चाहिए? और सर देखो, प्रॉपर चार्ट भेजना है तो फिर फाइनल फाइनल होगा, ठीक है ना सर? अच्छा, आपने पूछा वो मैंने बता दिया। ठीक है सर, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो चार्ट, में देख लेता हूँ सर, देखना तो पड़ेगा। नहीं, व्हाट्सएप कर देता हूँ सर मैं आपको। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। आपसे मैंने पूछा था मेरे हस्बैंड की आईएएस जो एग्जाम है सिविल सर्विस में बाधाएं आ रही है, तो आपने बोला था कि मुझे बताना कि साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट ऐसे कुछ बोला था कि उसमें क्या है। मैडम पहले फेस दिखाओ, मेरे को ऐसे नहीं पता लग रहा, मैं भूल जाता हूँ कल खाना क्या खाया था, आज क्या खाया, सब भूल जाते हैं जी सर। मतलब अपने हस्बैंड के बारे में पूछा था मैंने। काम क्या, किस रिगार्डिंग पूछा था मैडम? ऐसे ज्यादा याद दिलवाओ। हाँ नहीं, उनके आईएएस के एग्जाम में जो है बाधाएं आ रही हैं। आईएएस के एग्जाम में बाधा आ रही है जी सर? क्या पेपर क्लियर नहीं हुआ? पहले भी दिया है, एक बार क्या दिया है? कई एक दो बार दे चुके हैं, तो पिछली बार जो भी दिया था तो उसमें क्या है, फीवर हो गया था, टाइफाइड हो गया था, तो वो पूरा एफर्ट नहीं लगा पाए। ईस्ट में क्या है? आपने ईस्ट में तो नहीं पता फिर, क्योंकि वो मुरादाबाद रहते हैं ना, तो मैंने फिर पूछ के साउथ ईस्ट ऐसे बोला था, तो वहां पर उनका दरवाजा है, उसमें कपड़े हैंग है, ये मैं बता रही थी। ईस्ट में पूछूं मैडम, आपने साउथ गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग मैडम ईस्ट ही प्रॉब्लम देता है, जैसे वो सर को दे रही थी, ठीक है ना, उनकी गवर्नमेंट छोड़ गए, उन्होंने स्टेयर बनाई, उनका काम प्रॉब्लम बढ़ गई, ठीक है ना? नहीं, प्रेजेंटली तो वो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन क्या है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या बाधाएं आ रही है, उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ईस्ट से ही होगा ना, ईस्ट से ही प्रॉब्लम आएंगी ना। तो फिर मैं फिर पूछ के बताऊंगी, क्योंकि पिछली बार आपने कुछ साउथ का बोला था, वो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे साउथ ईस्ट में। मैडम और क्वेश्चन होगा कोई आप कहने का? हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं तो मतलब ठीक है, ठीक है, हो सकता है मैं ही नहीं समझ पाऊँ, तो मतलब अगर आईएएस में एग्जाम में मतलब बाधाएं आ रही है तो उसमें ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये पूछ के बताऊं कि वहां पर क्या है आपके घर में, ईस्ट में क्या है? मेरी घर के ईस्ट में मतलब कि मिडिल में जाके देखूं या जिस तरफ मेरा मेन डोर है वहां देखूं? मिडिल में देख लो, मेन डोर पर ईस्ट जहां पर प्रॉपर आता है, एंडली दीवार कहां वो दिखा दो, एंड की दीवार बस। नहीं, मेरा जो फ्लैट है ना वो जो है वो ईस्ट में तो बालकनी है, बालकनी आती है वहां पर, कुछ तो पड़ा होगा नीचे, पड़ा होगा कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। हाँ, थोड़ा वेस्टेज पड़ा हुआ है कबाड़ टाइप का, उसको उठा दो, प्रॉब्लम हल हो गया। अभी ढूंढ गया ना, प्रॉब्लम मिल गया ना मैडम, कबाड़ उठा दो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, को वहां पर देखने की जरूरत नहीं है। सर जैसे फ्लैट होता है तो जिस टाइप पे डोर होता है उधर से हम मतलब एरिया को देखते हैं ना, जो मेन डोर होता है, तो अपना जो फेस है वो डोर की तरफ करा जाएगा, क्योंकि मेन तो बालकनी इधर है और रूम डोर की तरफ। अच्छा अच्छा, तो वही बालकनी है इसमें, ईस्ट में वापस स्टोर पड़ा है ना, स्टोर में जो पड़ा खाली खाली कर दो बस उसे, और एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी कि उनके उधर क्या है। ठीक है, उनको छोड़ो, प्रॉब्लम आपके यहां ही है अभी। ठीक है, क्योंकि वो वहां रहते हैं, वो तो वीक में एक बार आते हैं यहां पर। कोई बात, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, आते तो है ना। बस ठीक है। डॉक्टर अमरजीत कोलिया जी, आपका क्वेश्चन सर। डॉक्टर अमरजीत जी, नंदनी कौशल, आपका क्वेश्चन है कोई?
हाँ जी मैम बोलिए। नमस्कार मैम बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नंदिनी कौशल आपकी आवाज नहीं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैं इस टाइम ना साइकोलॉजी कर रही हूँ और लाइक मेरे घर की थोड़ी सी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं, तो आगे जाके मेरे बहुत बड़े गोल्स हैं, क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगी? मैडम ये टैरो कार्ड नहीं चल रहा, पत्ते निकाले बिछा दिया। ठीक है अभी आप मेरे को ये बताओ आप कहाँ से हो? मैं पटियाला से सर। ओके। पंजाब से। ओके, पंजाब से। जी अभी दोबारा रिपीट करना आप क्वेश्चन। जी सर मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ और मैं आगे जाके मेरे बहुत बड़े गोल्स हैं इसको लेकर कि मैं अपना क्लिनिक खोलूं और मदद करूं सबकी जो भी आपने डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। गोल्स को लेकर है तो उसको आपको मेरे को कुंडली भेजनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपके गोल्स हैं ठीक है ना, तो आप अपने पिक्चर वेस्ट में लगाकर अपने विशेष लिख लो, वेस्ट में अपने पिक्चर को लगा लो, अपने विशेष लिख दो, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। हाँ जी ठीक है मैम। ओके थैंक यू सो मच। देखो एक टैरो कार्ड होता है, थैंक यू सो मच। पत्ते बिछाते हैं, ये बताओ जी होगा नहीं होगा, लव मैरिज होगी नहीं होगी, वो चीज गलत है। ठीक है ना, ये वो चीज नहीं है। अगर आपको अपने गोल अचीव करने हैं तो कुंडली देख लो, कुंडली में अगर योग है तो फिर तो फाइनल है, अगर नहीं भी है तो आप अपने पिक्चर एक वेस्ट में लगा दो, प्रॉपर वेस्ट में। ठीक है, घर में आपकी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है ना, थैंक यू। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है मेरे को मैसेज कर। शुक्रिया शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर जिसको अपनी विशेस पूरी करनी है वो वेस्ट में लगा ले पिक्चर, सभी के लिए है ये? सभी के लिए, सभी के लिए जी सर। हाँ सभी के लिए, सभी के लिए, मतलब वेस्ट में पिक्चर लगानी है और विशेस लिखनी है अपनी फोटो के पीछे। ओके सर। चलो और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सर अगर जैसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो लेडीज की फोटो लगा सकते हैं सर वेस्ट में? कौन बोला सर? सर जो विशेस है वो पिक्चर के पीछे लिखनी है। मैडम अभी आपका क्वेश्चन हो चुका है ना, 5 मिनट वेट करो, उसको मैं भी लूंगा तो किसी की बात सुनोगे। हाँ जी बोलिए। हाँ सर मैं बोल रहा था सर जैसे जैसे मैं मिसेज है इसको हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उनको वेस्ट में पिक्चर लगा सकते हैं सर, फायदा होगा? वेस्ट में अगर पहले तो उसका तांता खत्म करो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में देखो क्या पड़ा है उसको खत्म करो। ठीक है ना सर। उनके क्या सर जैसे ये नर्व सिस्टम होती है ना, गले से लेकर हाथ में आती है जैसे जो। सर देखो नॉर्थ नॉर्थ में क्या है। हाँ जी सर। ठीक है ना, पहले नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में देखो। ड्रेसिंग ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है सर। प्लीज सर ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है उसको उठाइए। ठीक है सर। नहीं तो वहाँ पर कपड़ा, या नहीं तो वहाँ पर कपड़ा डाल दीजिए, जब चेहरा देखना हो तो देख लीजिए। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, उससे फर्क पड़ जाएगा। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। ओके हाँ जी, एन एस सिंह जी बोलिए। हाँ जी दत्ताचार्य जी बोलिए। दत्ता जी हाँ जी सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप कहाँ से हो सर? मैं कर्नाटक के दावणगेरे से बात कर रहा हूँ। बोलिए सर बोलिए। नमस्ते। मैंने अभी बात करते सुना, मेरा भी कर्जे का बात था, मेरा दक्षिण और साउथ वेस्ट फुल खुला है, ओपन किरकी है, मैं से समझा उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। सुन लिया, अच्छी बात है। नहीं दूसरी और एक बात है, मेरा नॉर्थ वेस्ट में कुआ है, कुआ के ऊपर स्टेयर केस है, मैं सेकंड फ्लोर में रहता हूँ, ऊपर चढ़ के आता हूँ। अगर नॉर्थ वेस्ट में कुआं है तो होगा कुछ नहीं, आपकी पड़ोसियों के साथ नहीं बनेगी और तो कुछ नहीं होगा, ऐसा है बस। अच्छा अच्छा, सभी तो मैं सेकंड फ्लोर में अकेला रहता हूँ और कोई नहीं रहता है। पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ, नीचे जो भी रहते चार घर है उससे कोई मुझे
बस अगर कर्जा है तो साउथ की विंडो बंद कर दो, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हल हो गया। ठीक है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है वो उससे कोई क्या सर? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। अच्छा तो उसको ब्लॉक कर दो। उस साउथ साउथ ईस्ट से क्या होगा? आप में पावर ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और तो कुछ नहीं होगा। अब किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? किस चीज का बिजनेस कर रहे हो सर? अभी मैं जेमोलॉजी में हूँ, जेम्स का बिजनेस करता हूँ। अभी क्या चाहिए मेरे से बताओ? अभी मैं आपको जेम्स का बिजनेस करते हैं अभी बता देता हूँ क्या करना है आपने। बताइए क्या चाहते हो, पैसा चाहते हो, क्या चाहते हो? कोई कस्टमर आएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आने के लिए कस्टमर आना पड़ेगा। ऐसा करो, ऐसा करो, आप जेम्स का काम करते हो ना? या अभी एक जेम्स को लो, पन्ना ले। हाँ। पन्ना अपने नॉर्थ में जाकर रख दो। हाँ। अभी एक पन्ना रख लो जमीन के ऊपर, आप नॉर्थ में रख दो। ठीक है, आपके काम ये है बाद में फिर उठाकर बेच देना। ठीक है ना, काम तो आपका ही है ना। ठीक है ना, आप नॉर्थ में जाओ, उस पन्ने को वहां पर रख दो, पन्ना नग को नॉर्थ में जाकर। अगर अच्छा लगा आपका काम चल पड़ा, अगर काम चल पड़ा, उसको एक ड्रिल लेना, उसमें पन्ने को दबा देना और बंद कर देना सीमेंट से पन्ने को, बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। क्लियर है? बहुत शुक्रिया। अगर अगर काम नहीं चला तो, अगर नहीं काम चला तो मेरे मुझे पकड़ देना। 10 दिन आपको देखना ग्रोथ हुआ तो उस पन्ने को बाद में मत बेचना। ठीक है, बीच में दबा देना। ठीक है, ओके, चेक कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। अगर सेविंग ना बढ़ रही हो तो फिर मेरे को बता देना, फिर मैं सेट कर दूंगा आपको। ओके, बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ेगा, आपके घर में पड़ा है सामान, उसी को दबवा दूंगा। या ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। लोगों सर का काम भी होगा, घर बैठे काम भी चल पड़ा। हाँ जी, किरण शर्मा जी, किरण शर्मा सर, मेरे हस्बैंड जैसे ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, सभी लोग खाना नहीं खाएंगे फिर क्या करें सर उसके लिए? कौन सा ब्रांड पीते आप, कहाँ से? मैं सर वही पटियाला से भी पूछा था, आप कह रहे थे वो सीढ़ियां वीस्ट में है, वो फोटो भेज दो। ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात थोड़ी है भाई। क्यों अच्छी बात क्यों नहीं है? ओ मैं नहीं करता ड्रिंक, जलमा जब मैं इसके साथ ही बैठा हूँ, मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। चलो अच्छी बात है, और मेरी बात सुनो ध्यान से, एक अधिया ले लेता हूँ देसी का। ठीक है, देसी 110 रुपए का आता है, वो भी लेता हूँ मैं। देखो सर, हर रोज भूखे ऐसे बैठे रहते हैं, बस आज तो थोड़ी कम पी हुई है सर। आज जिसने बोला ना कम पी हुई है, देखो आप सर, इसका कोई इलाज बताओ मेरे को। सर इलाज बताओ प्लीज, इनको इलाज कर दूंगा। सर आप कौन सा ब्रांड पीते हो, संतरे का पीते हो या क्या, कौन सा पीते हो? संतरा पीते हो? आप संतरे की एक बोतल का जो पिक्चर है ना वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा दो मैडम, जो सर पीते है ना उसकी बोतल साउथ साउथ वेस्ट में रख दे, छोड़ देगा ड्रिंक। साउथ साउथ वेस्ट सर वो कह रहे हैं कल लेके रखना और मैं वो पीऊंगा। नहीं, खाली बोतल रखनी है आपने, जो पीते है ना उसकी रखनी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो पीना अच्छी बात है, गलत बात थोड़ी ना, पिएंगे तो पिएंगे तो तभी तो जिएंगे, जब पिएंगे तो जिएंगे कैसे। चलो और किसी का क्वेश्चन? हाँ जी मोहन के जी सर बोलिए। हाँ जी मोहन जी बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर नमस्कार, बोलिए सर।
सर मैंने एक आपको अपनी हाँ सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे अपनी फोटो और डिटेल डाटा भेजा अपना, आप एक बार कल जरूर कंसीडर कर लेना सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन और क्वेश्चन मेरा सर ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत सीखा भी है और कर भी रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल, लेकिन थोड़ा भी कुछ काम चल ही रहा है इसमें। काम क्यों नहीं चलता ये एस्ट्रोलॉजी का, किसी का अपना काम नहीं चला सके तो लोगों का काम क्या चलाएंगे, मुझे ये फॉर्मुलेशन ही समझ नहीं आ रही। सर एक्चुअली पता है मेरी कमी है कि मैं ही एक्चुअली ना टाइम नहीं दे पाता उनको, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है वह उस दिन करता हूँ, लेट हो जाता हूँ और काफी मतलब उस वजह से मेरी वजह से ऐसा नहीं होता। आप समय रखिए 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद उनको अटेंड करो, होगा ऐसे कुछ नहीं है, हम भी तो कर रहे हैं। अगर हम ज्योतिष वाले राह को दिखाएंगे तो किसी का भविष्य हम क्या बताएंगे, ठीक है ना। नहीं वो तो सही है बिल्कुल सर, मैं ही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं थोड़े सा मैं तो अंदर से कुछ मतलब कर उनको निकाल ही नहीं पा रहा था। सर आप सेकंड हाउस कुछ प्रॉब्लम बताई थी आपको, चलो मैं बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ बताए सर। वो पिक्चर देख कर सर मैं अभी टाइम लगेगा वो आपकी कुंडली देखने का, उस समय भी आप जल्दी से मैं भी जल्दी बाद में सर कोई इशू नहीं, अगर वास्तु के पूछ लो मैं भी बता देते हैं, आप पर्सनली बाद में पूछ सकते हैं प्लीज, ठीक है मेरा रिक्वेस्ट है बाद में कल मॉर्निंग में पूछो सर, जब मर्जी रात को मॉर्निंग में पूछो। हाँ जी सर मैं बात कर सकता हूँ, नमस्कार। हाँ जी सर नॉर्थ में सीढ़ी है एंटी क्लॉकवाइज 2 मंजिला मकान में, अच्छा जी उसका क्या इलाज करना चाहिए सर, प्रॉब्लम क्या आ रही है, काम नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम तो मेडिसिन बहुत यूज हो रही है सभी मेंबर्स के लिए सर, देखो फिर मेडिसिन का नॉर्थ से लेना देना क्या है। अच्छा कोई और हल, नॉर्थ का क्या हल है जी फिर, चलिए पैसा भी कम आ रहा है खर्चा ज्यादा है। साउथ साउथ वेस्ट में आपके शीशा लगा हुआ है, नहीं जी क्या लगा है वहां, साउथ साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम है जी। अब बताओ दवाइयां भी लग रही है सारा कुछ लग रहा है, बेडरूम चेंज करो सर अपना। अच्छा वही आपको सेहत की प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक हाँ। है वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है, साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन होता है वहां पर, हाँ। हमें बेडरूम नहीं चाहिए, ठीक है। किस चीज का बिजनेस करते हो, ज्वेलरी, ज्वेलरी का, तो फिर तो सर आपको वैसे साउथ साउथ वेस्ट में पहन सोना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ सर नॉर्थ की सीढ़ियों का कोई उपाय, आपके फादर साहब ने 1 किलो सोना जमा कर दिया था आपको, आपने कितना कम कर दिया ये बताना। हाँ हाँ कम हुआ है, कभी सुनियार होता है वो अपना सोना कभी बेचता नहीं, ठीक है। हाँ। अगर आप साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम छोड़ देंगे ना सर, ठीक है सर छोड़ देते हैं, लेकिन वो नॉर्थ की सीढ़ियों का थोड़ा वहम है उसका कुछ इलाज। सर वहम कुछ नहीं है, जहाँ पर रहो उसको सेट करो। अच्छा सर देखो ऐसा थोड़ी है, आप प्रॉब्लम आई है किसी और की आप किसी जोन को हिला दोगे वो गलत है, वो अच्छा वाला आपको गलत बना रहा है, आपको ठग रहा है। नहीं मैंने अभी ज्वाइन किया, आप अभी ज्वाइन किया सर। चलो मैं तो कहता सर परमानेंट जुड़ी आप मेरे साथ, कोई इशू नहीं है, अपना बेडरूम छोड़ दो। कोई नहीं सर, प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग है, साउथ साउथ वेस्ट में आपको खर्चे भी हो रहे हैं, बेडरूम भी वहीं पर है, मेडिसिन भी आपको लग रही है, आप बोले नॉर्थ को करो, सर नॉर्थ को क्यों करना हमें, ठीक है सर वो अपॉर्चुनिटी का जोन है। सर अपॉर्चुनिटी तो सोई गलत जगह पर रहे, अपॉर्चुनिटी क्या करें, अपॉर्चुनिटी क्या करें। अच्छा मेडिसिन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, घर में मेडिसिन कम यूज हो सर, आपका बेडरूम चेंज कर दो, आपकी मेडिसिन बंद। सर ये तो कर देंगे कुछ और, सर मेडिसिन बंद ही हो जाएंगी देख लेना, ठीक है 1 हफ्ता करके चेक तक करो सर, ठीक है नहीं तो 1 मिनट होल्ड करो। कौन सर नक बेच रहे थे, नक कौन बेच रहे थे यहाँ पे, ये पूरे पावर नक का काम किसका था इसमें आप में से, सर आपका नाम था नग का, सर आपका काम था नग का, सर मैं भी नग का काम करता हूँ, किसका था, ज्वेलरी शॉप है नग सारे रखे हुए हैं, रखे हुए हैं ना, फिर तो 2% हो गए हमारे साथ। चलो अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो नॉर्थ में आप 15 नग दबा लेना रख लेना। अच्छा रखा हुआ है सर, दबाया हुआ है लेकिन एक गमले में, एक गमला वहां रखे मिट्टी का उसमें दबाया हुआ है, घूम जाएगा ऐसे,
हाँ जी ये कहाँ से फॉर्मुलेशन सीखी गमले वाली? ऐसे किसी ने बोला था। अच्छा गमले में रख दो। हाँ इससे बड़े तो कहाँ रखे सर, इससे बड़े तो कहाँ रखे, इससे बड़े तो अपने जेब में रख लेते, वो फायदा दे देना था। अच्छा अच्छा कहाँ कैसे रखना चाहिए सर बता दीजिए। जमीन के ऊपर रखना है अपने नॉर्थ में। अच्छा पहले बेडरूम चेंज करो, उसके बाद 10 दिन देखो, उसके बाद रखना, दरवाजे नहीं रखना। ठीक है सर। गमले में रखने से थोड़ी दबाई जाएगी। हाँ अभी आपके आप बोलते हो हाथ में अगर डालना है ना सर, ठीक है उंगली में नहीं डालना उसको, हाँ यहाँ पर बांध के रखना, वो कैसे काम कर देगा? वास्तु है वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है आप जमीन पर रखोगे तो गमले के ऊपर रखने से क्या होगा, गमले में कलर लाल हो जाएगा। ठीक है ठीक है ऐसा मत करो। थैंक यू। सिखाने के लिए सीखने के लिए। चलो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, उसके बाद क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सर साउथ 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 वेस्ट में SW में सर, मैं विनोद गोस्वामी, नमस्कार सर। नमस्कार। साउथ वेस्ट में डाइनिंग टेबल रखा है मैंने, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और वहां पे मैंने ग्लास के कुछ जैसे बॉटल्स होते हैं छोटे छोटे ग्लासेस हुए या बॉटल्स हुए या फिर मसाले वसाले के जो शीशी के हुए मतलब ग्लास के सामान, वो मैंने रखा है, तो उससे कोई दिक्कत? उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। मैंने पूछा वहां पे जैसे आपने अभी डॉक्टर साहब के क्वेश्चन में बोला ना कि वो साउथ में आईना वाइना है क्या आपके साउथ वेस्ट में? सर मैं साउथ साउथ वेस्ट की बात करी, उनका ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन उनका ये था कि खर्चे बढ़ रहे हैं, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने वो पूछा शीशा है, वो कहता नहीं मेरा बेडरूम है, ठीक है ना। तो बेडरूम को मैंने देखा, बेडरूम वही पर प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू डिस्पोजल का जो है, हेल्थ इश्यू भी वहीं से आ रहे हैं आपके इनको। मेरा मेरा ये जो बेडरूम है ना सर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मिनट सर। सर आप प्रॉब्लम बताएं मुझे क्या है? नहीं एक वो ड्रेसिंग टेबल उधर में बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के पास में है, तो वो मुझे वहां रखना चाहिए, उसका फेसिंग आपका साउथ ईस्ट की तरफ। सर देखो बेड पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? सर रात को सोने में आपके बेड में आता है बीच में? नहीं आता ना जी। नहीं कोई नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉब्लम बोलो सर, मुझे ये दिक्कत है, फिर मैं पकड़ कर बताऊंगा। ऐसे सर, ऐसे सर सारा घर ही हिला सकते हो आप जी? नहीं मैं बस जानना चाहता सर, वास्तु वालों का काम क्या था सर? घर को ला रहा हूँ जी जी जी। दूर वाले से बोलेगा नहीं आना यहाँ पर। प्रॉब्लम जान के फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना सर, ये आप बताते हैं सही से। सर देखो अभी आपको बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट में वाटर बोरिंग करा लो, करवा लोगे आप? बिल्कुल नहीं सर। साउथ ईस्ट में डाइनिंग टेबल को तोड़कर मेरे घर में भिजवा दो, भेज दोगे आप? एकदम नहीं। तो फिर ये बहुत हार्ड रूल हो गए, मतलब इजी नहीं हुए रूल्स। मतलब आपका आपके सब इजी वाले रूल। मैंने अभी वो साउथ में किया था, छोटा सा रोशनदान था, मैंने आपको दिखाया था। अभी आपकी तो याद कर रहे थे हम, आपकी जैसे ना 3 लड़के यहाँ पर बैठे हुए, मैं आप तभी तो बोला था जी। तो वो मैंने वो रोशनदान आपने बोला था बंद करने के लिए, मैंने रोशनदान बंद किया बिल्कुल, उसपे कपड़े उपड़े लगा के मैंने उसी दिन कपड़े उपड़े लगा के उसपे टाइल्स पूरा खिड़की बंद कर दिया मैंने। अच्छा। उसको बाथरूम को ही पूरा अंधेरा कर दिया है, अभी घुसने पर लगता है उसमें रोशनी नहीं, लाइट जला के जाना पड़ता है। तो बढ़िया सर, दो फायदे हुए। क्या क्या फायदा हुआ? एक तो दरवाजा इतना, मेरा जब से मैं 5 साल से हूँ दरवाजा इतना चे 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 अपने आप खुलना बंद। हम लोग क्या है भाई, कितना हवा आता है इस घर में, ये बंद ही नहीं था। मैंने तेल दिया फिर भी आवाज करता था, जैसे मैंने रोशनदान बंद किया दरवाजा हिलना बंद, आवाज करना बंद, पता नहीं क्या जादू हो गया, उसके कब्जे में कोई आवाज ही नहीं बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, फैंटास्टिक आइडिया सर। मैं मिस्त्री का काम भी करता हूँ सर। चलो अच्छी बात है सर, ये कहो कि आप मिस्त्री का काम करवा दे तो हम लोगों से, और वो सही हो जाता। चलो बताने वाला सही हो तो काम अच्छा ही होता। अब बात एक है और बताता हूँ आपको, एक बात जी, वो ना वो जी यम की दिशा है, वो यम की दिशा है, वहां से कर्जा आता साउथ, ठीक है ना। वहां का जो देवता है ना बहुत खतरनाक देवता है, जो यम देवता है ना वो खतरनाक देवता है। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको सुनना कभी एक बार जी। वहां पर जो यम देवता सोते हैं ना, आदमी को जी
मरने की कगार पर ला देते, इतना कर्जा उसके ऊपर आदमी कर बना देता है कि उसको सुसाइड करने की जरूरत पड़ ही जाती है, इतना खतरनाक देता है वहां पर। ठीक है ना सर, सही जायज बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। चलो और भी क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज बोलिए। तो नॉर्थ में अगर सीढ़ी हो तो क्या कर्जा बढ़ता है सर? नॉर्थ में अगर सीढ़ी हो, फ्लैट है हम लोग का, एक पार्ट है आपका सर, कुछ नहीं होता जी। ठीक है सर, कुछ नहीं होता, वेरी क्लियर सर, थैंक यू सर। अगर कुछ होगा तो बता देना, बैठे हैं जी, उसका भी हल है, सस्ते वाला भी हल है जी। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सर मेरे हस्बैंड की ना नॉर्थ साइड शॉप है कार एक्सेसरी की, पर सर अच्छी इनकम नहीं होती है, बिजनेस अच्छा नहीं चलता। तो कार एक्सेसरी किसका होता है? जिसके पास पैसे होंगे वही लगाएगा। कार एक्सेसरी किसकी होती है? शुक्र की होती है। तो आप यस सर, नॉर्थ को नहीं देखोगे, लग्जरी लग्जरी है, तो साउथ ईस्ट को देखोगे, आप नॉर्थ को नहीं देखोगे। ओके सर, बिल्कुल सही सर। साउथ ईस्ट में कोई स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ओके सर, क्या है साउथ ईस्ट में? सर स्टोर है। लो आ तेरी थी। तो आप नॉर्थ, अभी आप देखो नॉर्थ को पकड़ रहे थे, वो सर्विस इंडिया नॉर्थ में पकड़ रहे थे। मैडम ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ना कैलकुलेटर की गाय में आदमी सुनो, आदमी क्या कहता है उसके को पहचानो, वो आदमी क्या कहता है। सही बात सर। आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं? हाँ जी, कल से स्टार्ट हो रही है जी। ओके सर, सर उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? पैसे डालने होंगे और क्या करना होगा। ओके सर, चार पांच में, चार पार्ट में पेमेंट दे सकते हो, पांच में भी, दस पार्ट में पेमेंट दे सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, दस बार दे दो, बीस बार दे दो, कोई इशू नहीं है। ओके सर, जैसे आपको इजी लगे। ओके सर, थैंक यू सर। बात तो यही था ना, प्रोसेस डालना ही पड़ेगा, पैसे डालेंगे फिर प्रोसेस होगा ना। फ्री वाली क्लासेस तो लगा रहे, जितने मर्जी पूछे, 10 पूछो, 50 पूछो, पैसे नहीं तो बोल दो सर मेरे पास पैसा नहीं है, तब भी करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरे में कहूंगी तो मैं निकलवा लूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ जी मोहन जी। सर हफ्ते हो गया, तीन क्लास है कैसे? क्या सर? वीकली सर, डेली सर, हफ्ते में दो या तीन सर, डेली क्लासेस होंगी, डेली डेली 30 दिन क्लासेस चलेंगी रेगुलर। टाइमिंग क्या होगी सर? और आपको एक बात बताता हूँ, किसी को ग्रुप से नहीं निकाला जाएगा, जब तक आपको आता नहीं, चाहे मुझे 2000 दिन लग जाए, चाहे 50,000 दिन लग जाए, आपको निकाला नहीं जाएगा। एक कोर्स हो गया, अगली बार फिर वही कोर्स होगा, आप दूसरे में ज्वाइन हो जाओगे, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, ऐसे ही हैं, अब निकाले नहीं जाओगे, कभी भी नहीं निकाले जाओगे जब तक आप लेफ्ट नहीं करते। सर टाइमिंग क्या होगी क्लासेस? रात को 8 बजे रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है सर, पीडीएफ फाइल मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ फाइल मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट भी। सर मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं, आ जाइए, कल से कर रहा हूं सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। हां सर, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए प्लीज, उसके बाद क्लास को स्टॉप करें। सर ये एक बात ये पूछनी सर, मेरे पास जो है मैं अपने फंड जोड़ने की कोशिश करता हूँ, फंड जुड़ता नहीं है, अगर थोड़ा बहुत जुड़ता है तो खर्च हो जाता है। खर्च कहाँ पर होता है? खर्च जैसे कहीं पे भी हो जाता है, कभी कभार कहीं मंदिर में काम में खर्च हो जाता है, कभी किसी और काम में खर्च हो जाता है, मतलब वो रुकता नहीं है पैसा। आप जेमस्टोन बेचते हो? नहीं सर, मेरा साड़ी का काम है। अच्छा, साउथ ईस्ट में क्या है? किचन है सर। कौन सा स्लैब है? स्लैब का कलर? स्लैब का कलर आपने ग्रीन करवाया था सर। ओके, अभी वेस्ट में रख दो अपने आप, जो सेविंग्स के कागज है। अच्छा, जो बैंक पासबुक वगैरह है उसको वेस्ट में, सेविंग्स हो जाए। अच्छा, तो उसको वेस्ट में पेपर वैसे ही रख दूँ या कुछ और भी उसके साथ रखना है? नहीं करना, रख दो आप। ठीक है सर, ठीक है। मैं सभी से गुजारिश है, जो नीचे कैमरा बंद कर सभी बैठे हुए हैं, उनसे एक बार गुजारिश है कि थोड़ा सा रूबरू हो जाए,
थोड़ा सा फेस दिखा दो तो कुछ बातें हो जाए। लोग मुंह दिखाई के पैसे लेते हैं, मैं आप मुंह छुपाई के पैसे ले लो मेरे से। क्वेश्चन भी नहीं है, बैठे भी हैं, मेरे को हैरान की बात है। सर मेरे को ही थोड़ा बता दो, मेरे भी काफी मतलब हर महीने खर्चे एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं सैलरी से, मतलब 2-3 हजार 4 हजार फालतू तो ही हो रहे हैं सर मेरा। सर ये साउथ से साउथ साउथ वेस्ट कितने डिग्री में देखा जाता है? क्या सर? जैसे हम साउथ से साउथ साउथ वेस्ट कितने डिग्री देखते हैं? 180 प्लस बाई और बाई 45 लिख लो, कितना हो गया? अच्छा 225 हो गया, वो साउथ साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है सर। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। अभी जिन्होंने मुंह छुपाया है ना उनके लिए भी एक ऑफर है। अच्छा जी। सर विदिशा प्लांट का क्या प्रभाव पड़ता है? विदिशा प्लांट का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वास्तु वाले को पैसे तो सब ठीक कर देते। मेरे को बेची कर मत देना। अगर दिशा किनारे पे आ रही हो तब सर आप मेरे को बोलो। पापा के मर्द से के पापा को खाएंगे ये तो सर जो काटो तो म्यूट कर लो। अच्छा जी, अभी जो मूछ पाकर रखा सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर आ रही है, आप लेना चाहोगे सभी लोग जिन्होंने मूछ पा रखा है? अभी आपके लिए ऑफर है, आप सभी ने अपना अपना अकाउंट नंबर भेजना है तो सभी को 2-2 हजार रुपये अभी ट्रांसफर कर रहे हैं। अपना गूगल पे नंबर भेजिए, सभी को 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर है। अब तो हम सब दे देंगे। भेजो भेजो। पहली बार ऐसा गुरु देखा है जो ज्ञान भी देता है और पैसे भी। सर के पास ज्यादा है ना तभी तो बहुत बांट रहे हैं। चलो इनका क्वेश्चन नहीं होगा, चलो इनको ये लॉटरी तो लगी है, हम मुझ पाएंगे 2 हजार हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ये चमत्कार हो गया, ज्ञान के साथ साथ पैसे भी उपलब्ध है। बिल्कुल, ज्ञान भी लो पैसे भी लो। सर तो हाँ सर मैं बिल्कुल सर बढ़िया। सर मैं पूछ रहा था कि जो अनियमित आकार के प्लाट होते हैं इरेगुलर शेप के, पड़ता है क्योंकि वैदिक ग्रंथों में जो वैदिक वास्तु के ग्रंथों हैं उसमें साइज का महत्व दिया गया है और आकार। अगर आपको जो प्लॉट को बनाकर बनाना है तो मेरे को शेप बनाकर भेजना पड़ेगा। मुझे हिंदी में समझ नहीं आएगा विदिशा क्या है, क्या है मेरे को क्वेश्चन पूछती कि साउथ की जो खिड़की है ना ये नहीं होनी चाहिए, नहीं हमेशा बंद ही रखनी चाहिए। अभी इनको बताती हुई थी मैं दानू से। दानू आप एक बार आए थे ना? हाँ एक दो ही दो तीन क्लास ज्वाइन किए मैंने। आप पॉलिटिकल में हो ना? पॉलिटिकल में हाँ आप तो बहुत देर बाद हो, 3-4 महीने बाद आए हो। हाँ काफी टाइम हो गया बीच में। अभी आप वो पोस्ट जीत गए हो अब जो कह रहे थे? नहीं अभी है, अभी 2-3 महीने बाद होगा, पोस्टपोन हो गया है इलेक्शन। अभी आपको एक बात बताता हूँ जो आपको सपोर्ट। हाँ बोलिए। आपको सपोर्ट नहीं करेंगे सभी के नाम लिख लो नॉर्थ वेस्ट में सभी के नाम लिख लो। अभी आप किस कौन से ओहदे पे हो मैडम, मेरे को ये समझ नहीं आया मैं एक कॉर्पोरेटर एक्स कॉर्पोरेटर तो हूँ ही और यहाँ की महिला अध्यक्ष भी हूँ और एक कॉर्पोरेटर के लिए ही जाना है वहाँ पर। अभी जो आपको तंग करे ना, जो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा तो नॉर्थ वेस्ट में सभी के नाम लिख देना, आपकी सपोर्ट करेंगे सभी। ठीक है मैम? अच्छा सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे करेंगे। मुझे एक चीज पूछना था कि ये मेरी पूरी खिड़की है यहाँ पे, साउथ वेस्ट है मेरा बेडरूम, साउथ वेस्ट का, तो ये पर्दे बराबर है इसके लगाए हुए बंद रखे हैं? बढ़िया बढ़िया,
क्योंकि ये ऐसी खिड़की आती है इसमें, पर्दे बंद ही रखती हूँ बस, तो फाइनेंस वाइज प्रॉब्लम नहीं आएगा ना इसमें। थोड़ी बहुत तो आती है, ऐसे नहीं है प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे मैं बेड लेके सोई हूँ तो चलता है? चलेगा चलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि खिड़की होती है तो इस साइड अपने अपने से बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता, दीवार चाहिए उसके लिए, सपोर्ट के लिए। नहीं ना, यही जानना था बस, रोशनी नहीं आनी चाहिए यहाँ से। येलो कर्टन आपने लगा दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। अच्छा, जो मैडम उनका काम क्या है, लेकर पोस्ट डाल देना, बात खत्म। अगर वो अगर वो इतने ही हैं, वो सभी के सामने आकर पब्लिक में जवाब दें, पब्लिक बैठी है। हाँ, मेरी भी यूट्यूब पर खुला है, कमेंट बोले आप भी डाल सकते हो। इतने कमेंट में अगर मेरा मैं गलत हूँ, इतने कमेंट आप भी गलत डाल सकते हो। अगर मैं आप किसी गलत बताऊंगा, ये वीडियो आप सभी दुनिया देखती है। हाँ बराबर है। चलो, और किसी क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। थैंक यू। नंबर भेजा नहीं आपने, लगता है सभी के पास है। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हाँ जी, अनीता जोशी मैम, आप कहाँ से हो? नमस्कार सर। नमस्कार, आप कहाँ से मैम? सर गुड़गांव से हूँ मैं, वैसे पंजाब से ही हूँ, जलंधर से हूँ, बट अभी हम इधर आ रहे हैं। मैंने आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने आगे वास्तु किया हुआ है, पर आपका बहुत इजीली रेमेडीज बता रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा मेरे को सेशन आपका। बिल्कुल सही। सर मैंने दो तीन जगह से सीखी है, मैंने सुमित रावत सर से भी सीखी है, फिर राजीव गोयल है उनसे भी सीखा, फिर अभी किशोर नरूला उनसे भी सीख रही हूँ। ये नहीं समझ आया, तीन तीन से सीख रहे हो? सर कस्टमर नहीं आ रहे, मेन प्रॉब्लम वही आ रही है कस्टमर की। एस्ट्रोलॉजी भी की है, केपी एस्ट्रोलॉजी भी की है, कस्टमर नहीं आ रहे। कमाल ही हो गया, तीन तीन चार में से कोर्स करके भी आपको कस्टमर नहीं आ रहा। कमाल ही हो गया। सर न्यूमरोलॉजी भी की हुई है, केपी भी की, कोर्सेज बहुत कर लिए हुए हैं, बट कस्टमर ही नहीं आ रहे। आप मेरे पास कैसे आ गए? बस पता नहीं, डेस्टिनी ले आई है सर, आखिरी रास्ता। अभी आपको बात बताऊं, मैं 47 वाला हूं। ओके सर, क्लियर है जी। फिर आप तो सर कंप्लीट ही हो ना, फिर आदमी कंप्लीट ही होता है। सर 47 कंप्लीट हो गया सर, मेरा 8 नंबर है और स्ट्रगलिंग ही है, लाइफ स्ट्रगल ही चली है। स्ट्रगलिंग सभी में होती है, स्ट्रगलिंग सभी के लाइफ में होती है जी। हाँ, अगर आपके पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहा, आपने उसका कारण नहीं ढूंढा। तीन जगहों से बात किया, ज्योतिष का क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण क्या है? सर 2, 6, 10, 11 नहीं है कंप्लीट, एक तो वो भी नहीं है। देखो न्यूमरोलॉजी को छोड़ो, गई भाड़ में। नहीं सर, उसमें केपी में बोल रही हूँ। केपी का सेकंड हाउस का सब लोड क्या है सर? अभी इतना तो अभी मेरे को याद नहीं है। आप लिख लो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र जी, लॉर्ड जी है, वो उसका मालिक कौन से हाउस में बैठा है। 2, 6, 5, 10 की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं देखना। हमने 2 दिखा रहा है 5 दिखा रहा है 10 दिखा रहा है, उसको छोड़ दो जी। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड देखो जी जी। आपने वो नहीं देखना, ग्रह चाल नहीं देखनी, सीधा आप बात करो। उसका वो नक्षत्र लॉर्ड है, वो कौन से घर में बैठा है, उसके रिगार्डिंग आपको पैसा आ जाएगा, बात करो। ओके सर, न्यूमरोलॉजी भी कर लिया, वो भी कर लिया, फिर भी पैसा ना आए। मेन कस्टमर ही नहीं आ रहे, मेन कस्टमर पे ही वो अटका हुआ। नॉर्थ भी बिल्कुल क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट भी ठीक है, साउथ ईस्ट में है प्रॉब्लम सर। क्या है? साउथ में स्टोर बना हुआ है। साउथ में स्टोर बना हुआ, साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में, सॉरी, साउथ ईस्ट में स्टोर बना हुआ। दो नंबर की कमाई आ रही है? नहीं सर, कमाई
खर्चे मतलब ज्यादा और कमाई कम है। सर हस्बैंड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो वहाँ पर दो नंबर की कमाई नहीं आती? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। मां तो आता सर, दो नंबर क्या, एक नंबर की कमाई नहीं आ रही। मैडम देखो आप में सामान तो आ रहा है ना? हाँ जी, घर में वो ट्रांसपोर्ट से जो सामान निकल रहा है वो तो आ रहा है ना? समझे नहीं मैं सर। चलो मान के चलो, अभी मैं क्या बात करूं सभी के सामने, आप मेरे को फोन कॉल करना, बता दूंगा मैं आपको। ओके सर, ठीक है, सुबह कॉल करो मेरे को। ओके थैंक यू सर, मैं सुबह बता दूंगा क्या है प्रॉब्लम। ओके, अगर आपने इतना कुछ किया है फिर तो हमें जब मान के जब हमें कस्टमर ना आया तो हमें क्या फायदा, हम लोगों को कैसे सेटअप करेंगे जब हमें नहीं कस्टमर आ रहा। जी सर वही तो बात है ना, मेन मेरा यहीं पे अटक रहा है काम, कस्टमर्स की प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्थ में क्या है, कैमरा लेके जाओ मेरे को दिखाओ। सर नॉर्थ में, नॉर्थ में तो आप इतनी देर से चुप क्यों बैठे थे? सर मैं सुन रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम अटेंड किया ना मैंने, तो मैं आपका सारा सुन ही रही थी कि क्या आप। अच्छा लग रहा था मेरे को सर कैमरा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। योगा सर कैमरा कैसे करना, आप फ्रंट कैमरा ही घुमा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, ऐसे? बिल्कुल सर, सोफा पड़ा है। और आगे जाइए, ये ऊपर रेड कलर से क्या लगा हुआ है? सर फोटो लगी हुई है। किसकी है? सर फैमिली फोटो है। आगे जाइए और आगे जाइए, ऊपर एसी लगा है। और आगे अंदर जाइए और आगे जाइए, उसी में, उसी में सर ये नॉर्थ ईस्ट है। मैडम उस नॉर्थ में जाओ, बस नॉर्थ में जाओ, आगे ये नॉर्थ है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, क्लियर दिखाई दे रहा। नीचे का सर इसमें वाटर फाउंटेन की पिक्चर भी लगाई हुई है। वाटर फाउंटेन की पिक्चर लग गई, अभी भी नहीं आ रहा, फिर क्या फायदा? सर कम आ रहा है पैसा बट कम आ रहा है। अपनी फोटो को यहाँ ऐसे करो, ये फोटो जी सर, फाउंटेन की पिक्चर को उतार दो। ओके इसे नॉर्थ ईस्ट में लगा दो, नॉर्थ ईस्ट में लगा दो, ठीक है। अभी लगाओ, अभी रख दो, नीचे करके उतार कर रख दो, और जो फैमिली फोटोग्राफ है उसे उठा दो। अच्छा तो बता सकते हैं मेरा स्टूडेंट, मैंने ये कैसे किया गर्ग सर? वो पानी का जो था ना साउथ ईस्ट में जो अग्नि कोण है वहाँ पे पानी का फोटो था, उसकी वजह से। सर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट, सर नॉर्थ ईस्ट में रख दिया। बस रख दो, एक फैमिली फोटोग्राफ उतार दो बस, अब सुबह से काम बताना। अगर कस्टमर आ गए तो कितना लगे, 5 रुपए 10 रुपए? सर साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए। क्या फैमिली फोटो मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट में लगनी चाहिए? नहीं वेस्ट में लगा, वेस्ट में लगा। सर वो फंक्शन की फोटो है, उसमें सबकी फोटो है, मतलब एक जाने की नहीं है, सबकी। वेस्ट में लगा लो, नॉर्थ में कभी पिक्चर नहीं लगाते, नॉर्थ में मतलब लोगों की पिक्चर भी। सर उसमें, सर उसमें रेड कलर ज्यादा है सर, इसलिए ना। हाँ रेड कलर भी है पेंटिंग में, हो जाने ज्यादा है सर। और क्या है अभी बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। नॉर्थ में क्या है, हम जब आदमी को लाश बनाते हैं तो उनका सर नॉर्थ की तरफ करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है ना। यस सर, तो नॉर्थ में कोई पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। ये कुबेर देवता के स्थान पर तो आप बैठे हैं, तो क्या काम चलेगा इनका? अगर काम चल पड़ा तो मुझे 10 रुपए फीस डाल देना, नहीं चला तो मतलब काम इतना कुछ सीख भी लिया पर वो अभी का काम आ नहीं रहा क्योंकि कस्टमर नहीं आ रहे, तो उसके कारण काम अटका पड़ा। अपने ज्ञान ही अधूरा लिया होगा, मैं मेरे से कभी बात करना बता दूंगा। ओके सर, आपने ज्ञान ही, ठीक है सर। सर आप कहाँ से हो? मैं मोगा पंजाब से। ओके सर, छोटा सा गांव है, मैं बात करूंगी आपसे पर्सनल करूंगी। गांव है गुजरात का, जैसे मांडवा जिला ने तब मांडवा क्या था वैसे तो अक्का मुंबई पे राज करेगा। सर आपका YouTube लिंक होगा मांडवा, वो तो सोनू सूद का जिला है ना सर, तो मोगा
सोनू सूद साहब का जीवन होगा वास्तु पाठशाला सर जो ओके ओके देखना वीडियो मेरी आई है अभी भी अपलोड हो जाएगी आपको अभी लिंक कर देंगे हाँ वीडियो आ जाता सर बाद में सर हम लोग का बातचीत का वीडियो आ जाता है मैं तो लाइक करता हूँ आज सुबह आपने डाला था वो पिता और पुत्र में के रिलेशन कैसे खराब अच्छे क्यों नहीं तो वो मैंने देखा अभी अच्छा लगा चलो अभी क्या बात कर रहे थे बात ही नहीं कर रही मैंने ये नॉर्थ ईस्ट में जी अभी बात बताता हूँ रीता मैडम मैंने क्या किया आपकी आप बोलते हो कि नॉर्थ में झरने की पिक्चर लगाओ सही बात है मैम आपने अपने घर में आपका जो फेस है ना ये चीज जो बड़ी हुई है ना इससे पता लगता है ये आपकी ये भी चीज खत्म हो जाएगी अभी आपका बार चार्ट सेटअप नहीं था आपको पता है मैम जी जी बार चार्ट के हिसाब से ये पिक्चर आपकी नॉर्थ में नहीं नॉर्थ ईस्ट में लगनी थी ओके अभी बार चार्ट को सेटअप करके ये पिक्चर वहां पर लगाई है मैंने अब काम चलेगा उस पिक्चर को अपनी को उठा दो बस सर नॉर्थ ईस्ट में वैसे पिक्चर लगाई हुई है अपनी फैमिली पिक्चर लगाई हुई है अच्छा फिर आप कैसे बढ़ोगे लाइफ में नॉर्थ ईस्ट आदमी को खींचता है घर में रहने के लिए काम करने नहीं देता तो वहां से भी उठाओ कहां से सीखा मैडम आपने फिर सर नहीं पहले की लगी हुई है वो ये सीखने से नहीं वो पैसे लगी हुई है पिक्चर फिर आपने सीखा आपको काफी देर से अगर आप सीखोगे ने सीखा है तो वो आपको तो पता ही होगा ना यहाँ पर नहीं लगाते पिक्चर प्रैक्टिकल करना चाहिए आपको घर में जी जी फिर वही बोलते ना काम कौन से घर चक्कर में सिखाया आपको यही बात आ जाती है करना तो आपको ही पड़ेगा चलो ठीक है सर चलो और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए उसके बाद क्लास को बंद कर सर मैं अनुप गुप्ता बोल रहा था सर मेरी मदर के पैर में हड्डी बढ़ रही है क्यों क्या हो गया मतलब जॉइंट्स के ऊपर हड्डी एक्स्ट्रा निकल रही है उसमें पेन काफी हो रहा है दो दिन से अचानक आप मेरे को फोटो भेजना मैं देख लूंगा ठीक है सर कैसे बढ़ रही है ठीक है सर ओके मैंने ना कल एक फॉर्मूलेशन निकाली थी वीनू मैम समय बालों को लेकर जी सर कौन सा ग्रह है जो बालों से दिक्कत देता है वो मैंने कल किसी घर में देखी देखो इतना साल मुझे काम करते हो गया 15 साल हो गया मुझे काम करते जी सर जो बालों की प्रॉब्लम जो बाल तोड़ हो जाते हैं बाल है वो देवी देवता को मैंने कल निकाला भी कौन सा देवता है जो हमारे शरीर पर बाल उगाता है 45 समय देखो मैंने कितनी बारीकी में जाकर वो कल उनका हल किया बिल्कुल बाल बढ़ गए बाल तोड़ हो गया और बाल इतने थे ना उस आदमी के शरीर पर वो पता ही नहीं थे कल उसका मैंने वो देवता को सेट किया तो अब जाकर उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिली है जी सर उनके सारे परिवार पर ऐसा हो चुका था डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाए वो भी वैसे तो मेरी मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करवाता हूँ सारा कुछ करवाता हूँ पर मैं हैरान रह गया ये चीज कैसे बन गई आएगा बस उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा जी सर प्रॉब्लम मुझे मिल गई हल मैंने कर दिया है उसको अभी 2-5 दिन से रिलीफ है तो कल से वो जैसे भी होगा तो उसको आपके सामने कभी वीडियो शेयर करेंगे तो आपको अपलोड करिए सर हम लोग को इंतजार रहेगा सर वो देखो बिल्कुल सर बालों की प्रॉब्लम थी अभी तक मैं खराब अभी क्लास को क्लोज कर दिया जाए सर एक मिनट क्वेश्चन पूछना है अनीता मैम अनीता मैम मैंने इससे पहले बहुत जगह से कोर्सेज किए हैं न्यूमरोलॉजी वगैरह सर चले गए हैं वो क्या नहीं नहीं अनीता जी हैं
ठीक है मैम, मैंने बहुत कोर्सेज किए, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु भी किया, एस्ट्रोलॉजी रहने, मतलब एस्ट्रोलॉजी पूरी दूरत नहीं सीखी, तो टैरो कार्ड भी सीखे, मतलब जितना मर्जी सीखो। अब जब आपने सर को बोला 4 और 7 का है ना, 4 और 7 मेरे में भी है और 8 स्ट्रगलिंग नंबर भी है, लेकिन स्टिल फिर भी कामयाब नहीं हुई थी। वही है कि सर से हमने सीखा है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सब सेट कर लेते हैं ना, तब भी हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। पहले वो तो वही है मैम, पहले लोग भी यही बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम सेट होनी चाहिए फिर हम दूसरों को करें, और दूसरी बात मेरे को लग रहा है अपने नहीं सही हो रहा तो दूसरों का क्या करेंगे ना, ठीक फिर। और दूसरी बात, इतनी जगह पैसा लगाया था, मैंने भी बहुत जगह पैसा लगाया ना सीखने के लिए, सीखने के लिए तो इंसान होता ही है, लेकिन अगर आप सर से क्लासेस लोगे ना मैम, वो सारे जितने पुराने होंगे ना सब आपको, मतलब उसके लिए आपके लिए लगा मैंने कुछ भी नहीं सीखा, आपको क्लासेस लोगे ना आपको लगेगा कुछ भी नहीं सीखा था मैंने, सीखने के लिए तो मुझे अब मिला और सही में गुरु मिला मुझे। आप ये मत सोचना कि मैं सर की प्रमोशन कर रही हूँ तो मुझे कोई पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, हाँ सही बात है, अपना फीडबैक दे रहे हो आप, बहुत अच्छा बताते हैं सर, बहुत अच्छा बताते हैं, और मैं तो कभी कभी अपने गाने का प्रमोशन कर लेता हूँ बस। नीता मैम सर वेरी बेस्ट, ऐसी पढ़ाई आपने, मतलब सब फेल हो जाएगी जो आपने पढ़ा होगा, इतना बढ़िया पढ़ा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अभी जो दो दिन मैंने वीडियो बैलेंस आई थी अपलोड देखी थी, सुमित सर मेरे साथ थे वो सेशन में, हम गए थे मसूरी में, अवार्ड मिला था मुझे, देखी तो मैं। जी सर, जी सर, सुने थे आप लोगों ने, जी सर देखा हमने और वीडियो सुना था, उसमें क्या बोले वो पंडित लोग क्या बोल रहे थे? हाँ सर हमने देखा, आपने बोला सर, आईसीयू गर्ग भैया, गर्ग भैया हमने सबके छक्के छुड़ा दिए। नहीं लेकिन पूरी आईसीयू आईसीयू वाली बात भी थी ना सर, वो अभी वो एक आदमी बोला ऐसा है गज केसरी हो गया, एक आदमी ने मेरे को बोला पंडित था विपन जी कभी आपके पास एक केस आए ना, मैंने कौन सा केस आए, चलो इसको रिकॉर्डिंग को थोड़ा बंद कर देते हैं, बाद में रिकॉर्ड हो गया तो बाद में मेरे को कहेंगे आपको कहाँ से कमाई आ रही है, मुझे तो पता है। नहीं सर ऐसे वैसे कोई कमाई नहीं आ रही, मैं बता रही हूँ, एक तो हस्बैंड की जो है मतलब काम करें जॉब से आ रही है, पहले हमारा बिजनेस ही होता था सर, मैं बता रही हूँ सर। और दूसरी बात मेरे बच्चे भेज रहे हैं, बच्चे मतलब दोनों बच्चे बाहर कनाडा में सेटल्ड है तो वो भेज रहे हैं, फिर भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप देखो सब मतलब सारा मतलब इंस्टॉलमेंट में ही निकल रही है सारी इनकम जो भी है। आप मेरे को सुबह कॉल करना, हल कर दूंगा, टेंशन ना लो। जी सर, श्योर, अब क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। ओके सर। गुरु में दशा हो तो क्या होता है, जैसा आपने कहा गुरु में राहु की है, केतु की हो तो सर कोई भी सर, मेरे भी गुरु केतु सातेंथ में है सर। सभी घर पैसा देते हैं, मेरी बात समझ नहीं, आपने वैसे ही राहु केतु को बदनाम कर रखा है, सभी घर पैसा देते हैं, सभी घर पैसा देते हैं, कौन सा घर पैसा नहीं देता मेरे को ये बताओ, पहला घर पैसा नहीं देता सही है सर, अपने हेल्थ नहीं देता पैसा, दूसरा घर धन देता है, तीसरा घर हमें हिम्मत देता है काम करने के लिए, चौथा घर हमें मकान देता है, पांचवा अगर हमें बच्चे सेटल करने के लिए, छठवां हमें कर्जा देता है, सातवां वाइफ को देता है, अभी सारे घर तो आपको दे रहे हैं, अभी रह क्या गया, मगर अभी क्या राहु गुरु केतु खराब हो गया, शनि केतु खराब हो गया, इसका तो मार्केट में नाम ही खराब कर रखा है पंडितों ने, राहु राहु करके पूरा बदनाम कर रखा, बदनाम ही कर रखे, पर पैसे ये लोग देते हैं। सरकारी नौकरी केतु देता है, आपको पता है सरकारी नौकरी की जो मोहर है वो केतु लगाता है, प्रमोशन कौन देता है, प्रमोशन केतु के, सॉरी सर प्रमोशन ईस्ट देगा, केतु सरकारी लगाएगा, झंडा है ना केतु सर, सरकारी मोहर केतु लगाता है, चलो गवर्नमेंट तो सर अगर सरकारी नौकरी में ना हो तो सर
सर कभी क्या आपसे बात कर रहे हैं, अब समझ ही नहीं है, कोई बहसने वाला हो तो बहसे बहसे तो उसी के साथ जाए जिसको पूरा ऐसे एकदम से पड़क से ज्ञान हो, अभी उनके साथ बहस लेते हैं, अभी आपको मैं क्या करूँगा बताकर, क्या क्या फ़ायदा क्या होगा, आप लिख लोगे बस उसका क्या होगा, गुरु केतु है गुरु चंद्र है ये कुछ नहीं है सर। चलो नहीं मेरे मेरे नहीं मेरे कहने मतलब ऐसा, जैसे आप सरकारी जैसे मोहर लगाने वाली बात करो सर, तो जैसे नौकरी सरकारी ना हो तो क्या तो कैसा क्या है तो सर उसको एक्टिव करना पड़ेगा ना, घर को आप एक्टिव कर लो, आप लोग पहले लोग इसको पहले लोग नग के माध्यम से करते थे, कोई समय था मेरे पास नहीं थे नग लेने के लिए, ठीक है कोई समय था मेरे पास नग लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने फिर अपनी टैटू एक्टिवेशन स्कीम निकाली, तो ग्रह का नक्षत्र था वो ऐसे ऐसे किए वो सभी का। हाँ जी सुभमिता जी कोई बोलना चाहते हैं? हाँ जी सुभमिता जी कहाँ से मैम आप? कोलकाता। नहीं मैंने नाम देख के समझ लिया बंगाली है ये, मैं भी कोलकाता से बना जी। हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ जी सुभमिता कुंदु मैम बोलिए। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रहा, माइक उन्होंने ऑफ कर रखा है। हाँ जी मैम बोलिए। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आएगी अब आएगी। मैम बोलिए। हाँ सर नमस्ते, सभी को नमस्ते। सर अगर 10th हाउस में केतु है और 4th हाउस में राहु है तो क्या इसका सरकारी नौकरी का कोई योग बनेगा? पहली बात तो आपको फॉरेन सेटअप होना चाहिए, केतु जिसके 4th हाउस में होता है फॉरेन सेटअप होना चाहिए, अपने जो जन्म स्थान भूमि उसको छोड़ना चाहिए तब आदमी सेट हो जाता है। जन्म भूमि छोड़ना चाहिए सर, मेरा तो इतनी यही सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं तो रहती हूँ अपनी मायके पे, पता नहीं घूम फिर के कैसे आ गई, पहले तो बाहर थी फिर बाहर थी गई। आप कहाँ से हो? आप घर पर ये बताओ पहले। हाँ कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल से, वर्धमान जिला। मैं वर्धमान जिला। इतने दूर से आप कैसे जुड़ गए मेरे साथ? सर मैं भी तो जुड़ा हूँ हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से, मैं भी तो बहुत दूर से हूँ सर। वाला तो जुड़ता है, वो पता नहीं कैसे जुड़े। अभी ऐसे करो आप अपने घर के आप अपनी फोटो ना घर के बाहर जाके लगा दो। कहाँ कहाँ? घर के बाहर। मेरे फोटो घर के बाहर एकदम बाहर मतलब रास्ते की तरफ जहाँ पर रास्ता है वहाँ पर आपकी साउथ वेस्ट की दीवार आ रही है, नहीं लगा सकते नहीं लगा सकते तो अपने छत के ऊपर अपनी फोटो रखाओ, छत के ऊपर साउथ वेस्ट की दिशा पे है ना। सर छत के ऊपर तो बारिश में भीग जाएगा वो, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर कितने दिन के लिए रखे? अभी तो रख देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, आप बोलिए कितने दिन के लिए रखे? माइक के घर में रहोगे ना? नहीं नहीं अभी तो घर छोड़ना इतना मुमकिन नहीं है, मतलब मेरे माता मैं एक ही सिंगल डॉटर आई हूं। अगर इस घर में रहते हो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं? हाँ। आप एक पॉलीथिन में डालो उसको छत के ऊपर जाकर रख लो। ठीक है ठीक सर। साइज का कोई कोई मतलब ये है कि इतना साइज पासपोर्ट पर रख लो, पासपोर्ट वाला। हाँ वो तो मैं बाहर दीवार पे भी चिपका सकती हूँ छोटा वाला, ऊपर ऊपर कर देंगे बाहर। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने फॉर्मूलेशन निकाली है अभी एक सेकंड पहले निकाली, क्यों निकाली जी सर? अभी जब ये अपने पहले मेरे को ये बताओ मैम, जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है? हाँ सर थोड़ा बहुत तो होता है, और बाहर रहती हूँ तो मेरा दिमाग भी सही रहता है, घर के अंदर आती हूँ तो जितना कुछ प्रॉब्लम लगता है आ जाता है। अरे राहु को क्या है, दूसरों की छत के नीचे रहना पसंद है, ठीक है ना। हाँ। जब आप अपने घर इस घर में आओगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा आप छत के ऊपर अपनी फोटो रख दो सबसे टॉप के ऊपर, ठीक है।
आपकी ये प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। सबसे टॉप वाला तो मेरा साउथ वेस्ट नहीं पड़ेगा, सबसे टॉप वाला मेरा वो क्या बोलते हैं उसको बंगाली में चीले कोटा बोलते हैं, एकदम सीढ़ी के ऊपर जो होता है छत के ऊपर रख दो, वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। रख दो सबसे ऊपर रख दे। আপনি ছাতের উপরে রেখে দিন, ওপেন এরে উনি স্যার বলছে ছাতের উপরে রেখে দিন, একদম ওপেন রেখে দিন, মানে ঘরের বাইরে যেটা থাকে তাহলে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন। ওখানে নর্থেও কোনো ক্ষতি নেই তো, বা ওয়েস্ট নর্থ ইস্ট এই জায়গাতে রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই। নর্থ ইস্ট মানে রাখলে নর্থ আর কেই রাখলে সাউথ ওয়েস্ট, সাউথ ওয়েস্ট ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, সাউথ ওয়েস্ট বলে স্যার। এই কোন সি ভাষা দি স্যার? স্যার এই বেঙ্গলি ভাষা কি আমারই? আচ্ছা সমঝা দিয়ে স্যার আপনি একবার उनको सर इसका लॉजिक क्या? हाँ सर इसका लॉजिक तो बताइए सर। हाँ सर जी फोर्थ घर का राहु है सर, मैं भी रख सकता हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, फोर्थ घर का राहु सर। सामने सोनी जी थोड़ी सा बात को समझिए, जिससे हाँ जी सर, जिससे गुरु ने रेमेडीज दे दी ना उसको समझो, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब आपको बता देंगे। कोई सुनिए, इनको फोर्थ हाउस में रहना राहु है ना, जिसका भी फोर्थ हाउस में राहु होगा ना उसको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, लाइफ में छोड़ना पड़ेगा। सर मेरे फोर्थ हाउस में राहु है और टेंथ हाउस में केतु है, मेरे भी है सर, इसलिए पूछा था। सर मेरी मैं समझ रहा हूँ अभी आप इसको दोबारा कभी रिपीट करना फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अभी वो आपकी वाइब्रेशन नहीं आ रही, मेरी बात को समझो, अगर वो आ रही होती तो मैं बैठता। और सर अगर ये उल्टा हो तो सर मेरे बेटे के भी है सर, उसके भी फोर्थ हाउस में राहु और केतु है। वो सर राहु वाले जो चार नंबर घर में वो अपने घर में नहीं टिक पाएंगे, कहने का मतलब यही है, और घर से बाहर निकल के जाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे। सर मुझे और एक बात पूछनी है कि अगर ये उल्टा हो तो, मतलब फोर्थ में केतु हो और टेंथ में राहु हो तो क्या बने? बढ़िया है, वो बिजनेस बहुत टॉप पर करेगा। दो नंबर का जुआ खेले तो बढ़िया है। जुआ सट्टा खेले सर, ये भी YouTube पे आ जाएगा सर। रिकॉर्डिंग बंद है, रिकॉर्डिंग बंद है, चल रही है। लॉटरी की टिकट वगैरह ले तो भी काम करेगा इनको। अभी लिख लो, लॉटरी वाले भी लिख लो सभी लिख लो जी, जिसको लॉटरी नहीं लग रही लिख लो सभी लोग, कॉपी पेन उठा। सर एक मिनट पहले चेहरा नहीं दिखा रहे थे, अभी लॉटरी के नाम पर सभी आ गए, क्या नहीं सर बोलिए, वो अलग अलग डायरी पे लिखेंगे, वो आपका आपके लिए अलग बनाए थे उसमें लिखेंगे। पहले मेरी बात सुनो, इतने देर से मैं बोल रहा था तब आपने क्यों नहीं बताया? सर मैं तो पहले सुन रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने कहीं सीखी भी नहीं हूँ, इच्छा है सीखने की तो मुझे थोड़ी इतना बहुत जानकारी भी नहीं है, तो आपने बताया सुनते थे। अभी दो संडे बाहर था, संडे को सिखाने का सेशन फिर से दोबारा स्टार्ट है, ठीक है तो लॉटरी का लिख लो, इसका मैं बंद कर, चलो चलने दो, मेरे को क्या है, मेरे को कौन सा डर है। म्यूट कर लो, सुबह सुबह नाम है, म्यूट कर लो। हाँ। आप टिकट किसी भी महीने की 4 तारीख 8 तारीख 13 तारीख और 31 तारीख को लोगे टिकट शाम के समय में, जब सूर्य ढल चुका हो, 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब भी सूर्य ढल जाता है, क्लियर है, तब राहु का नक्षत्र हो। मोहन जी आ गया आपका क्वेश्चन, उस दिन वाला जो पूछ रहे थे, का समय होता है मोहन जी, हर एक चीज का समय होता है, ठीक है जी, बातें ऐसे नहीं निकलती जी सर जी। हाँ ठीक है, उस दिन मोहन जी पूछ रहे थे लॉटरी वाला को बताओ फॉर्मूला, मैं कहा जब समय आया मैं बता दूंगा, तो समय सर की लॉटरी निकलनी है पहले, आज के बाद ये भी बता सर।
सर हम भी लॉटरी डालने लगे थे पर ये नहीं पता था इसकी भी है। डेट्स कौन से बोली सर? सर डेट्स कौन से बोली हैं? बता दो तुम सर क्या कह रहे हो। मैं कहा सर मुझे लॉटरी नहीं आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी शिक्षा आपकी जैसा बनना मुझे बस। बिल्कुल सही बात ये बात। वो हमें क्या देंगे 10-20-50 लाख दे देंगे अगर आपके साथ 10-20-50 करोड़ मिल जाए। मुझे पता है बिना मेहनत के है पैसा रास्ता भी खोज लेता है ना फिर निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं उससे शांति नहीं मिलती। वो लोग नहीं देख रहे, मैंने देखा 400 बंदे मेरे को वहाँ 400 बंदे सबका मुंह खुल गया आपके सवाल जो आपसे सुन के। मैंने तो लाइव देखा वो सर। रिपीट कर दे ये सारी रेमेडी करो करो लिखो महीने 4, 8, 12, 13 और 31 अरे 12 नहीं लिखनी 4, 8, 13 और 31 क्लियर है जी सर। तो उस दिन राहु का नक्षत्र हो ठीक है सर, राहु का नक्षत्र हो और आपने अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन से खरीदनी है, जब भी आप लो तो आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन से खरीदनी है। और उसे आपने अपने घर में एक उस लॉटरी की फोटो स्टेट करवानी है। जो ओरिजिनल लॉटरी है उसे आप साउथ वेस्ट में रखोगे राहु के पास, अपने कद से ऊपर 6 से 7 फुट है, अपने सर से ऊपर लगानी है, चिपकानी है दीवार के ऊपर। आज जरूरी है बताने का बस सभी को। विनोद जी म्यूट कर लो, विनोद जी म्यूट कर लो, कंसल्टेशन थोड़ी सी टूट जाती है। तो आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने कद से ऊपर रख देनी है और जो फोटो स्टेट की हुई है वो लॉटरी आप पुष्पदंत देवता के ऊपर चिपकाओगे, बिल्कुल नीचे जमीन के ऊपर। सर कौन से देवता? पुष्पदंत। आपको पुष्पदंत किस लिए है? सर म्यूट करो, दो सर म्यूट करो यार 5 मिनट। जमीन के ऊपर वो जमीन के नीचे वो अपने कद से ऊपर रखनी है। मान के चलो लॉटरी का टिकट तेईस तारीख को रिजल्ट आना है। आपने उसको 23 तारीख को नहीं खोलोगे कभी भी, चाहे आपको पता भी लग जाए वो लॉटरी का टिकट आपके पास आ चुका है चाहे नहीं आ चुका। आप उसे उसी महीने की 4, 8, 13 और 31 को ही देखोगे। ऐसा नहीं जिस दिन लॉटरी आई उसको वहीं से फट से निकाला और देख लिया, नहीं। तो आप जो इसका नंबर है कहीं पर लिख लेना लॉटरी का, क्लियर है सभी को?
डॉक्टर अमरजीत सिंह पीएचडी एस्ट्रोलॉजी। सर आप कहाँ से हो डॉक्टर अमरजीत जी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं फगवाड़े तो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो कभी प्रोग्राम में कभी मिलिए। जरूर जरूर सर, जरूर सर। आप भी कभी फगवाड़ा आए तो मिले सर। सर मैं आता रहता हूँ चिंतपुर्णी बगलामुखी आता रहता हूँ इधर। तो फिर ठीक है सर, यहाँ ये हम इकट्ठे चलेंगे सर। मैं भी आता रहता हूँ, मेरे रास्ते में ही है फगवाड़ा। तो सर रास्ते में ही है फगवाड़ा। मैं फोन नंबर आपको आप ही व्हाट्सएप कर दूंगा सर आपको भी। आप मिलते जाइए, आइए सर मेरे ऑफिस। ओके, फगवाड़ा में वो नहीं है क्या नाम उसका, कॉलेज वाला कॉलेज नहीं है लड़कियों का, है ना? रामगढ़िया कॉलेज सर। हाँ जी रामगढ़िया कॉलेज, उसी का ज्वाइनिंग मेरा ऑफिस है सर। उसी का ज्वाइनिंग मेरा ऑफिस है सर, भानो की रोड पे सर, रामगढ़िया कॉलेज की बैक साइड पे मेरा ऑफिस लगता है। ओके, वहाँ पर हम कुलचे वाला नहीं खड़ा होता, स्पेशल कुलचे खाने उसके जाते हैं, वो एक साइकिल पे खड़ा। ठीक है सर, कुलचे खिलवा देंगे आप। कुलचे नहीं सर, खड़ा होता है ना वो स्पेशली, हम उसके पास जाते हैं। हाँ हाँ सर, अच्छा अच्छा, उसके पास मैं जाता हूँ स्पेशल सर। कभी भी आप जब जाएं मेरे को पहले बता देना, मैं रास्ते में खड़ा रहूंगा आपको रिसीव करने के लिए। कोई बात नहीं, चलो एक भाई और मिल गया हमें फगवाड़ा से, चलो। हाँ जी हाँ जी, सब करके नंबर बताना फिर बात करते हैं। हाँ जी सर, अगर वास्तु से एस्ट्रोलॉजी किसी तरह की हेल्प की जरूरत में बैठा हूँ किसी भी। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो क्लियर है सभी को अभी सर? ये उपाय सभी के लिए है या? यस सर, सभी के लिए है, सभी के लिए है सर। ये पुष्पगण देवता के बारे में नहीं पता कुछ भी सर? वो वास्तु वालों को पता है कहाँ पर चिपकानी है, वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पर मैंने आपको पिक्चर लगाने के लिए बोला था अपने। ठीक है सर, जमीन से कुछ ऊपर चिपकानी है क्या, सरफेस से? सर देखो, अगर साउथ वेस्ट में चिपकानी है तो अपने सर से ऊपर राहु महाराज हमें टिकट देते हैं, ठीक है ना, उसको अपने सर से ऊपर बिठा लो। ठीक है, ठीक है। और जो विशेष है उसकी जो फोटो स्टेट कॉपी करवाई है हमने, वो वेस्ट में रखो। देवता जो बोल रहे हैं वहाँ कहाँ पर चिपकानी है उसको, कितने दूरी में? स्कार्टिंग पे, स्कार्टिंग पे। अच्छा, स्कार्टिंग पे। चलो चलो जी, अभी अभी क्लास को स्टॉप कर दे, काफी समय ले लिया मैंने आपका। सर जाते जाते जमीन के बारे में बता दीजिए। क्या पूछना है मैडम, बताओ। सर मेरे हस्बैंड मेरे नाम और मेरे ब्रदर मेरी मम्मी के नाम जमीन ले रहे हैं शाहजहांपुर में। अच्छा जी, मिलके ले रहे हैं पार्टनर में। फिर बढ़िया है, तो शाहजहांपुर में ले रहे हैं तो बढ़िया है मैम। सर बढ़िया तो है, मतलब ठीक रहेगा, जैसे अभी ये आपको नक्षत्र चल रहा है तो उसमें रजिस्ट्री कराना ठीक रहेगा? तो जिसकी जमीन बढ़ना है उसको तो बढ़िया रहेगा, कोई इशू नहीं, ले लो। सर मेरा है निधि सिंह नाम, मेरे नाम से होगी, और मम्मी का नाम है हंसमुखी, तो दोनों के नाम से होगी, मतलब पार्टनर। मम्मी जो है भैया ले रहे हैं मम्मी के नाम, हस्बैंड ले रहे हैं मेरे नाम। सर कुछ प्रकाश डालिए। ले लो बढ़िया है, बढ़िया सूट करेगी सर ना। मेरे नाम पर होती फिर तो मैं बता भी देता। सर उसमें अगर बेनिफिट होगा तो आपको जरूर देंगे। नहीं नहीं, अब ले लो मेरे पास अपनी खुद की जमीन इतनी बड़ी है कि मैं। वो तो सर पता है, लेकिन अब मुझे मालूम है आप ऐसे ही कह रहे हो। कोई बात नहीं, ले लो मैडम, बढ़िया है, ले लो, करवा लो जिसके नाम मर्जी करवा लो। ठीक है सर, अभी करा सकते हैं ना, जैसे चल रहा है ना ये खरमास टाइप। अभी रात को तो नहीं होगी, कल सुबह होगी। नहीं नहीं अभी नहीं होनी है, मतलब अभी 5-6 दिन बाद होगी, 25 तक। बस ठीक है, फिर ले लो, कोई बात नहीं, 25 तक तो वैसे छुट्टी आ जाएगी, रिश्ती होगी नहीं। हाँ अभी कंफर्म नहीं है कि कब होगी, मतलब इसी भी 10-5-6 दिन बाद ही होगी। बस ये खरमास वाली पूछने को थी कि एक तो ठीक रहेगा हमारे नाम लेना और मम्मी के नाम। जगह ले लो, वो बढ़िया है, अगर आप खोदने खुदाने की बात कर रहे हो वो फिर गलत है।
नहीं जमीन ली जाएगी, फिर इसके बाद उसमें अभी दीवार लगा दी जाएगी, बाद में कुछ जो भी कुछ होगा। अभी दीवार मत लगाना, पहले ठीक है लगा लो, जब वो जब ये 15 तारीख के बाद जब पोका महीना निकल जाएगा उसके बाद लगा, ठीक है। वो तो बाद में, अभी तो सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री होगी। नहीं तो मैं, आप मेरे को बोल देना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ये वाली कौन से महीने में कहां से हम खुदाई करें, वो अपनी वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। तो रजिस्ट्री कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है सर ना, इंस्टीट्यूशन अभी रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री आप करवाइए, ठीक है सर। हाँ वो एक खरमास में लग रहा था, मैंने अपने हस्बैंड से बोला अभी थोड़ा रुक जाओ, तो वो कह रहे नहीं अभी, कोई बात नहीं, ठीक है सर, तभी सवेरा जब पैसे है तभी आइसक्रीम खा लो, ठीक है, ठंडा देखो ना गर्मी देखो बस। सर बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका सर। थैंक यू, चलो अभी आप सभी रात को सभी को गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर, सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सर।